हेलो एवरीवन दिस इज कपिल का देन वेलकम बैक टू वंस अगेन तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स तो क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री की सभी चैप्टर वाइज नेम रिएक्शन डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर तो so, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा यदि आप चैनल पर नहीं है तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुँचते रहें तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट नेम रिएक्शन है वो है फिंकल स्टीन रिएक्शन तो फिंकल स्टीन रिएक्शन क्या होती है तो उसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे कि अल्काइल आयोडाइड आर ऑफ्टन परपेड बाय द रिएक्शन ऑफ ए अल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड विद सोडियम आयोडाइड इन ए ड्राई एसीटोन तो देखिए बच्चों इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या लेके चलना है एल्काइल आयोडाइड एल्काइल एलोडाइड मीन्स लाइक से हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर ये हमारे पास I और उसके साथ सी एस थ्री या फिर R के साथ I तो ये हमारे पास क्या है किसी से एल्काइल आयोडाइड ये परपेयर किया गया है किसकी हेल्प से इन दी हेल्प ऑफ ए अल्काइल क्लोराइड सो ये हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर एल्काइल क्लोराइड जैसे हमारे पास सी एस थ्री सी एल आपको दिखाई दे रहा है या फिर एल्काइल ब्रोमाइड या फिर यहाँ पर आप क्या ले सकते हो सी एस थ्री बी आर ले सकते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए उसके साथ क्या मिलाओगे बेसिकली सोडियम आयोडाइड इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई एसीटोन तो आर एक्स प्लस एन ए आई ड्राई एसीटोन के साथ करनी है रिएक्शन तो so, यहाँ पर क्या होगा हेलिजन एक्सचेंज होंगे एक्स मीन्स लाइक जी यहाँ पर या तो आप क्लोरो ले सकते हो या यहाँ पर आप ब्रोमो ले सकते हो तो so, इसके साथ एक्स को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो so, एक्स किसके साथ आएगा सोडियम के साथ तो एन एक्स बाहर निकलेगा और आर के साथ क्या आ जाएगा आई अब यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास क्या है क्लोरोमिथेन सी एस थ्री सी एल प्लस सोडियम आयोडाइड अब यहां से आई रिप्लेस किसको करेगा सी एल को और सी एल किसके साथ आ जाएगा एन ए के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई एसीटोन तो क्या निकलना है? हमारे पास यहाँ पर सी एस थ्री आई प्लस सोडियम क्लोराइड सो दिस इज द नेम ऑफ ए आइडोमिथेन तो ये रहेगी हमारे पास फर्स्ट नेम रिएक्शन जिसका नाम रहेगा फिंकल स्टेन रिएक्शन सेकेंड हमारे पास है बेसिकली स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होती है तो ये वन बाय वन सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के अंदर तो इस केस में इसकी जो डेफिनेशन रहेगी कि फ्लोरो एल्केन आर बेस्ट प्रपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड इन दी प्रेजेंस ऑफ ए मेटालिक फ्लोराइड सच एज हमारे पास कौन कौन से हैं यहाँ पर सिल्वर फ्लोराइड मरकली फ्लोराइड उसके बाद कोबाल्ट फ्लोराइड या एंटी मनी फ्लोराइड तो ये चार जहाँ पर आपको दिखाई दे दिस इज द स्वाट रिएक्शन वो कह रहा है ये आपकी स्वाट्स रिएक्शन रहेगी अब देखिए इस केस के अंदर हमने किसकी बात की है बेसिकली बच्चों हमारे पास क्या बनेगा फ्लोरो एल्केन बनेगा अब फ्लोरो एल्केन कैसे बनेगा जब आप एल्काइल क्लोराइड लेके चलेंगे या फिर एलकाइल ब्रोमाइड और किसकी प्रेजेंस में करनी है आपने इसको मेटालिक फ्लोराइड के साथ मेटालिक फ्लोराइड इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं ए जी एफ ले सकते हैं एच जी टू एफ टू ले सकते हैं सी ओ एफ़ टू ले सकते हैं एंटी मनी एफ़ टू ले सकते हैं तो हमने यहाँ पर सिल्वर किसके साथ कर दी फ्लोराइड के साथ तो मिथाइल ब्रोमाइड लेके चले तो यहाँ पर भी क्या हुआ हैलिजन एक्सचेंज हुए तो F यहाँ पर आ जाएगा सी एस थ्री के साथ और ये बी आर किसके साथ चला जाएगा ए जी के साथ तो क्या निकलेगा हमारे पास सी एस थ्री एफ प्लस ए जी बी आर सो दिस इज ए फ्लोरो मिथेन इसको आप क्या बोलोगे स्वार्ट्स रिएक्शन तो ये थी हमारे पास सेकेंड नेम रिएक्शन थर्ड हमारे पास है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चारों चैप्टरों के अंदर यूज़ होगी बेसिकली डाइजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है आप देखिए इसके अंदर डाइजोटाइजेशन रिएक्शन के अंदर द डाइजोनियम सॉल्ट इज प्रपेयर बाय ट्रीटिंग एनेलिन डिजोल्व इन ए कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड विद इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए सोडियम नाइट्रेट एट ए लो टेम्परेचर जीरो टू फाइव डिग्री सेल्सियस तो देखिए बच्चों डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में किसकी बात कर रहे हैं कि डायजोनियम साल्ट प्रपेयर होगा तो दिस इज ए डायजोनियम साल्ट अभी कब होगा जब आप एनलिन को डिजोल्व करोगे किसके अंदर कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड के अंदर तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है एनोलिन का बेंजीन के ऊपर एन एच टू अब जब इसको आप किसके साथ आपने डिजोल्व करना है इसके अंदर कोल्ड एक्वस सॉल्यूशन मिनरल एसिड कौन से हमारे पास एक तो एच सी एल ले लोग एक सोडियम नाइट्रेट एन एन नो टू प्लस एच सी एल टेम्परेचर जीरो टू फाइव डिग्री सेल्सियस या फिर टू सेवेंटी थ्री से लेकर टू सेवेंटी एट कैलविन तो हमारे पास क्या निकलेगा बेंजीन के ऊपर एन ट्रिपल बॉन्ड एन सी एल नेगेटिव एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज सी एल के ऊपर नेगेटिव तो इसको हम क्या बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस क्या निकलेगा वाटर निकलेगा सो दिस रिएक्शन इज नेम इज़ ए डाइजोटाइजेशन रिएक्शन ये कौन सी रहेगी हमारे पास डाइजोटाइजेशन सिंपल रिएक्शन है एनालीन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तो क्या डालोगे इसके अंदर सोडियम नाइट्रेट प्लस मिनरल एसिड इन एक्वस फॉर्म के अंदर डालना है आपने और टेम्परेचर आपने कोल्ड लेना है जीरो टू फाइव डिग्री सेल्सियस तो क्या बन जाएगा हमारे पास बेंजिन डाइजोनियम क्लोराइड तो क्लियर होगी ये रिएक्शन भी नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास फोर रिएक्शन है बच्चों सेंडमियर रिएक्शन क्या होती है तो ये सेंडमीर रिएक्शन भी बेसिकली डाइजोटाइजेशन के ऊपर ही बेस्ड है तो डाइजो इस सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे कि मिक्सिंग ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ ए फ्रेशली प्रपेयर डाइजोनियम साल्ट विद ए क्यूपरस क्लोराइड या फिर क्यूपरस ब्रोमाइड कि रिजल्ट द रिप्लेसमेंट ऑफ ए डाइजोनियम ग्रुप बाय किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा क्लोरो या ब्रोमो के द्वारा अब आपने पीछे डाइजोटाइजेशन रिएक्शन के अंदर अभी जस्ट किया है कि जो हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है जो बेंजीन के ऊपर एन ट्रिपल बॉन्ड एन सी एल अब इस केस में क्यूप्रस ब्रोमाइड डालेंगे तो एच बी आर के साथ या फिर क्या डालेंगे क्यूप्रस क्लोराइड एच सी एल के साथ तो हमारे पास जो सी एल है या बी आर है ये किसको रिप्लेस कर देगा यहाँ से बेसिकली रिप्लेसमेंट करता है डाइजोनियम ग्रुप की इसको एन टू जो हमारे पास एन ट्रिपल बोन एन है इस ग्रुप को रिप्लेस कर देता है तो यहाँ पर क्या बनेगा बी आर तो ब्रोमोबेंजिन प्लस क्या निकलेगा एन टू सेकेंड केस में हम यदि क्यूपरस क्लोराइड के साथ करते हैं एच सी एल के साथ तो क्या निकलेगा हमारे पास क्लोरो क्लोरोबेंजिन प्लस एन टू निकलेगा सो दिस इज ए सेंडमियर रिएक्शन अब सेंडमियर रिएक्शन के अंदर हमारे पास बेसिकली एक रिएक्शन हो रहा है बेसिकली बच्चों आइडोबेंजिन अब डाइजोनियम क्लोराइड लेके चले इन दी ऑफ ए पोटासियम आयोडाइड के आई इसे बोलते हैं बेसिकली अब इस केस में डायरेक्ट ही हो जाती है इसके अंदर आपको कोई भी रिएक्टेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो सीधा ही क्या बनेगा हमारे पास आयडो, बेंजीन प्लस क्या निकल जाएगा एंटो निकल जाएगा तो ये थी हमारे पास सेंडमी रिएक्शन नंबर रिएक्शन नंबर फोर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये भी और बेसिकली कन्वर्जन के अंदर भी ये पूछी जा सकती है नेक्स्ट है हमारे पास है रिएक्शन नंबर फाइव तो नंबर जो फाइव है वो गैटरमैन रिएक्शन है बेसिकली गैटरमैन ने सेंडमीर रिएक्शन को ही आगे फर्दर क्या किया गया था मॉडिफाइड किया गया था तो देखिए गैटरमैन रिएक्शन क्या रहेगी हमारे पास कि द सेंडमिर रिएक्शन हैज़ बिन मॉडिफाइड बाय यूजिंग ए कॉपर पाउडर इन प्लेस ऑफ ए क्यूपरस हेलाइट अब देखिए बेसिकली क्या बताया गया बच्चों क्यूपरस हेलाइट लेके चले थे हम बेसिकली क्यूपरस हेलाइड का फॉर्मूला हमारे पास क्या था सी यू टू एक्स टू था अब उसको रिप्लेस कर दिया ओनली कॉपर पाउडर लेके चलेंगे इसके अंदर तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया बेंजीन के ऊपर एन ट्रिपल बोन्ड एन सी एल नेगेटिव प्लस उसके अंदर क्या डाल दिया यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में सी यू प्लस एच सी एल ओनली कॉपर पाउडर सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ए क्लोरोबेंजिन तो डायरेक्ट ही क्या बनेगा क्लोरोबेंजिन प्लस क्या निकलेगा एन टू बाहर निकल जाएगा तो दिस इज ए गैटरमैन रिएक्शन नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बाल्ज सिचमैन रिएक्शन तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी अब बाल्स सिचमेन रिएक्शन होती क्या है कि इफ़ डायजोनियम ग्रुप इज़ रिप्लेस बाय यूजिंग ए फ्लोरोबोरिक एसिड अब फ्लोरोबोरिक एसिड हमारे पास कौन सा है एच बी एफ फोर इसको हम क्या बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड अब ये रिप्लेस कर देगा किसको डायजोनियम ग्रुप को कि द रिएक्शन इज नोन एज ए बाल्स रिएक्शन तो उसको आप क्या बोलोगे बाल्ज सीचमैन बोलोगे तो बेंजिन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर आपने क्या डाला यहाँ पर बच्चों फ्लोरोबोरिक एसिड एच बी एफ फोर डाल दिया तो इस केस में हमारे पास एक तो बनेगा इंटरमीडिएट कंपाउंड जिसको हम बेसिकली यहाँ पर एन टू और उसके साथ क्या आ जाएगा बी एफ फोर आ जाएगा उसको फर्दर यदि हीट करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट क्या बन जाएगा फ्लोरो बेंजिन प्लस बी एफ थ्री और प्लस क्या निकलेगा इसके के अंदर एंटू निकल जाएगा तो दिस इज ए फ्लोरोबेंजिन तो ये कन्वर्जन में भी आ सकती है कि डाइजोनियम क्लोराइड से डायरेक्ट ही क्या बनाओ फ्लोरोबेंजिन तो इसको हम क्या बोलेंगे दिस इज ए बाल्ज सीचमेन रिएक्शन नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है एलिमिनेशन रिएक्शन जिसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और सेकेंड नेम रहेगा इसका डीहाइड्रोहैलिजिनेशन रिएक्शन अब देखो हेलो एल्केन और एल्काइल हेलाइड दोनों का नाम सेम रहेगा कि विद बीटा हाइड्रोजन ही इज़ हीटेड विद बीटा हाइड्रोजन को किसके साथ हीट करना है बेसिकली एल्कोहलिक एन यू एच के साथ या फिर एल्कोहलिक क्यू एच के साथ देन द एलिमिनेशन ऑफ किसकी एलिमिनेशन होगी एलिमिनेशन मीन्स निकलना ठीक है ना हाइड्रोजन एटम टेक प्लेस फ्रॉम द बीटा कार्बन जो बीटा कार्बन होगा उसमें से हाइड्रोजन का निकलना एंड एलिमिनेशन ऑफ ए हेलिजन एटम टेक प्लेस फ्रॉम द अल्फ़ा कार्बन और हेलिजन एटम का कहाँ से अल्फ़ा कार्बन से निकलना कि द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए किसकी फॉर्मेशन आएगी एल्कीन की कि दी रिएक्शन इज नोन एज ए डी हाइड्रोहैलीजिनेशन रिएक्शन उसको आप क्या बोलोगे डी हाइड्रो हेलिजिनेशन रिएक्शन अब इस केस में देखिए बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों ही मैंने की हुई है यहाँ पर एल्कोहलिक के साथ भी और एक्वस के साथ भी जो अल्फ़ा कार्बन होता है बेसिकली उसके साथ हमारे पास हेलिजन ग्रुप जुड़ा होता है अल्फ़ा के साथ ही अनदर क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन तो ये अल्फ़ा ग्रुप हो गया हेलिजन के साथ और ये बीटा कार्बन हो गया अब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या कहती है जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं एल्कोहलिक की ओए के साथ कि जो अल्फ़ा है वो तो रिप्लेस करेगा किसको रिप्लेस करेगा बेसिकली हेलिजन ग्रुप को और जो बीटा कार्बन है हमारे पास वो किसको रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को और किसकी फॉर्मेशन दे देगा एल्किन की तो मतलब यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और यहाँ से हेलिजन तो क्या बना सी डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस के प्लस क्या निकल गया बाहर वाटर निकल गया तो ये हमारे पास है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और यदि हम इसकी रिएक्शन को कैटलिस्ट को एक्वस फॉर्म में ले लेते हैं तो क्या होगा बच्चों तो हमारे पास सी एस थ्री सी एस टू सी एल और ये अल्फ़ा कार्बन ये वाला बीटा कार्बन तो इस केस में जो हमारे पास एक्वस फॉर्म होती है तो ओ एच नेगेटिव आयंस के अंदर बेसिसिटी कम हो जाती है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा कहाँ से बीटा कार्बन से तो इस केस में डायरेक्ट ही वो क्या करेगा सिर्फ रिप्लेस करेगा किसको को हेलिजन ग्रुप को तो यहाँ पर जो ओ एच ग्रुप है वो किसके साथ आ जाएगा यहाँ सी एल के जगह पर सी एल बाहर निकल जाएगा तो सी एस थ्री सी एस टू ओ एच प्लस के सी एल तो किसकी फॉर्मेशन देगा यहाँ पर ये यह एल्कोहल की तो इट इटमिन इसे हमारे पास क्या बनेगा इथेनॉल सो so, ये रिएक्शन थी हमारे पास बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन नेक्स्ट हमारे पास है वुड्स रिएक्शन क्या होती है तो और वुड्स रिएक्शन बेसिकली बच्चों हमारे पास थ्री टाइप्स की है हम बात करेंगे वुड्स रिएक्शन वुड्स फिटिंग रिएक्शन उसके बाद हमारे पास फिटिंग रिएक्शन तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वुड्स रिएक्शन की कि अल्काइल हेलाइड रिएक्ट विद ए सोडियम अल्काइल हेलाइड बेसिकली क्या होता है आर एक्स ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है सोडियम के साथ इन ए प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर किसकी प्रेजेंस में करेगा ये ड्राई ईथर की टू गिव ए हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ ए कार्बन आइटम प्रजेंट इन दी हेलाइड तो आपने क्या लेके चलना है डबल नंबर में लेके चलना है किसको बेसिकली कार्बन आइटम जो प्रेजेंट करते हैं किसके अंदर हैलाइड के अंदर तो हमने क्या लिया यहाँ पर दो अल्काइल हेलाइड ले लिए बच्चों आर एक्स और एक इधर से ले लिया आर एक्स इसको मैंने अपोजिट लिख रखा है आर एक्स से लिखा है इधर से आर एक्स ठीक है ना प्लस किसके साथ कर दिया डबल नंबर ऑफे सोडियम के साथ तो यहाँ से टू एन एक्स बाहर निकलेगा ये हमारे पास अल्काइल हेलाइड था आर एक्स वाला जब ड्राई इथर के साथ रिएक्शन करोगे तो आर आर बॉन्ड बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे एल्केन प्लस टू एन एक्स निकल जाएगा बाहर अब ये इसके पास हमारे पास रिएक्शन है हमने क्या ले लिया यहाँ पर ब्रोमो मिथेन ले लिया दिस इज ए ब्रोमो मिथेन ऐसे ही ब्रोमो मिथेन टू टाइम्स लिया और प्लस किसके साथ कर दिया टू एन ए के साथ तो टू एन ए बी आर बाहर निकलेगा ठीक है टू एन ए बी आर प्लस क्या बचा हमारे पास सी एस थ्री सी एस थ्री इन द प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर तो क्या बोलेंगे हम इसको दिस इज ए एथेन तो ये हमारे पास क्या बना बच्चों इथेन सो दिस रिएक्शन इज नोन एज ए वुड्स रिएक्शन उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है वुड्स फिटिंग रिएक्शन तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होती है कि ये मिक्सचर ऑफ अल्काइल हेलाइड एंड एराइल हेलाइड इसमें एक आप क्या लेके चलोगे अल्काइल हेलाइड सेकेंड वाला क्या लोगे एराइल हेलाइड गिव्स द अल्काइल एल्काइल एरिंग ट्रीटेड विद ए सोडियम इन ए ड्राई ड्राईर देखो सिंपल है वुड्स रिएक्शन में हम क्या लेके चले बच्चों दोनों ही ग्रुप अल्काइल हेलाइड लेके चले इसमें हम क्या लेके चलेंगे एक ग्रुप अल्काइल हेलाइड का सेकेंड ग्रुप एराइल हेलाइड का जो ये फॉर्मेशन देगा किसकी फॉर्मेशन देगा बेसिकली अल्काइल एरिनस की इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सोडियम एंड ड्राई ईथर के साथ तो फर्दर रिएक्शन मैं अभी बताता हूँ आपको तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है दिस इज ए एराइल हेलाइड सोडियम डाल दिया इसके अंदर बेसिकली बच्चों और ये क्या है हमारे पास अल्काइल हेलाइड तो इसको हम बोलेंगे वुड्स फिटिंग रिएक्शन अब इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर तो हमारे पास क्या बनेगा दिस इज ए हम ये बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप आ गया कोई भी रिजेंट आ गया प्लस क्या निकलेगा टू एन एक्स अब इस केस में दिस इज़ ए क्लोरोबेंजीन आपने क्लोरोबेंजीन लिया और यहाँ पर ये यह अराइल वाला ग्रुप है और ये हमारे पास अल्काइल वाला ये हमारे पास क्या बोलोगे इसको आप क्लोरो मिथेन प्लस टू एन ए के साथ कर दिया तो यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों टू एन ए और ये सी एल बाहर निकलेगा और इसके ऊपर जो ग्रुप आ जाएगा वो कौन सा ग्रुप आ जाएगा सी एस थ्री यहाँ पर इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई थर तो उसको हम क्या बोलेंगे बेंजीन के ऊपर जब सी एस थ्री लग जाता है दिस इज ए टोलिन तो इसको ये हमारे पास टोलिन बनेगा प्लस टू एन ए सी एल बाहर निकल जाएगा नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है फिटिंग रिएक्शन क्या होती है तो फिटिंग रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी बेसिकली अब इस केस में एराइल हेलाइड आल्सो गिव ए अनोलोगस कम्बाउंड ट्रीटेड विद ए सोडियम इन ए ड्राई ईथर जब इसको हम ट्रीट करते हैं किसके साथ बेसिकली ड्राई ईथर के साथ इन ए टू एरायल ग्रुप अब इस केस में जो हमने फिटिंग रिएक्शन की बात कर रहे हैं बेसिकली बच्चों तो दोनों ही ग्रुप हमारे पास कौन से रहेंगे यहाँ पर एराइल ग्रुप रहेंगे तो हमारे पास दिस इज ए क्लोरो ये बेंजीन है ये भी क्लोरो बेंजीन है क्या डाल दिया इसके अंदर टू एन इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई थर तो यहाँ से क्या निकलेगा टू एन बाहर निकल जाएगा प्लस हमारे पास दोनों बेंजिनिंग आपस में जुड़ जाएंगे प्लस टू एन बनेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे दिस इज़ ए डाई फिनाइल तो ये हमारे पास डाई फिनाइल बन गया इन केस ऑफ ए फिटिंग रिएक्शन सिंपल है बेसिकली इसमें दोनों ही ग्रुप आपने एराइल हेलाइड के लेके चले टू एन डाला इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई थर तो क्या बन गया डाई फिनाइल प्लस टू एन बन गया नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है इलेवन रिएक्शन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी हंस डिकर रिएक्शन क्या होती है बेसिकली अब देखिए इस केस के अंदर बच्चों हमने क्या लेके चलना है हमारे पास है सिल्वर प्रोपेनोइट सी एस थ्री सी एस टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ इजी अब ये कौन सा ग्रुप है हमारे पास ओइट वाला ठीक है ना प्रोपेनोइट अब इस केस में बी डालोगे आप ठीक है ना और किसकी प्रेजेंस में सी सी एल फोर तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और ए बाहर निकल जाएगा और एक भी जो बी ग्रुप है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा जाके यहाँ पर सी एस थ्री सी एस टू के साथ तो ये हमारे पास सी एस थ्री सी एस टू और बी आर तो ब्रोमो इथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ए जी बी आर तो इसको हम क्या बोलेंगे हंस डिक्कर रिएक्शन अब ये इसकी डेफिनेशन है कि ब्रोमो एल्केन आर ओपटेन ये हमारे पास क्या है ब्रोमो एल्केन ऑप्टेंड बाय दिस मैथड बाय रिफ्लेक्सिंग ऑफ ए सिल्वर सॉल्ट ऑफ ए फैटी एसिड फैटी एसिड हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है बच्चों सी डबल वन ओ और ओ वाला कि विद बी आर टू और क्या डाला उसमें आपने बी आर टू प्लस सी सी एल फोर डाल दिया सो दिस इज ए हंस डीकर रिएक्शन सिल्वर है सिल्वर प्रोपेनोनोइट लिया आपने प्रोपेनोइट ग्रुप हमारे पास बेसिकली देखो कार्बन कितने हैं बच्चों वन टू थ्री तो ये बन गया प्रोपेन ये ग्रुप हमारे पास कौन सा पड़ा है एस्टर वाला तो इसको हम पीछे क्या लगाते हैं ओ एट इजी प्लस बी आर टू डाल दिया सी सी एल फोर के साथ तो बी आर ग्रुप यहाँ पर अटैच होगा सी ओ टू बाहर निकलेगी प्लस ए सी बी आर बाहर निकल जाएगा दिस इज ए हंस डिखकर रिएक्शन नेक्स्ट है हमारे पास इसी के अंदर बच्चों डो प्रोसेस क्या होता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली कन्वर्जन के अंदर पूछा जाता है तो देखिए डो प्रोसेस के अंदर कि वैन क्लोरो बेंजिन इज ट्रीटेड विद एन एक्वाज सोल्यूशन ऑफ एन यू एच एक्ट सिक्स ट्वेंटी थ्री कैलविन थ्री हंड्रेड एटमोसफेरिक प्रेशर सोडियम फिनोक्साइड इज फॉर्म्ड विच इज़ ए एसिडिफाइड टू गिव ए फिनॉल अब देखो इस केस में सबसे सिंपल मैं आपको बताता हूँ क्लोरोबेंजिन आप लेके चले टू एन यू एच डाल दिया आपने उसके अंदर मीन्स लाइके जे एक्वस फॉर्म ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड टेम्परेचर क्या लिया सिक्स ट्वेंटी थ्री कैलोविन थ्री हंड्रेड एटमोस्फेरिक प्रेशर तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा बच्चों सी एल बाहर निकलेगा और उसके साथ ओ एन ए ग्रुप जाके जुड़ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे सोडियम फिनोक्साइड ओ एन ए जब एंजिन के ऊपर आ जाता है तो सोडियम फिनोक्साइड अब इसको फर्दर एसिडिफाइड कर देते हैं एच पॉजिटिव आयन के साथ तो हमारे पास ओ एन ए को रिप्लेस कर देगा तो सिर्फ ओ एच ग्रुप रह जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा फिनोल बनेगा सो दिस प्रोसेस इज नोम नेम एज ए हमारे पास डो प्रोसेस इसको हम क्या बोलेंगे डो प्रोसेस नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास बेसिकली बच्चों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रीडल क्राफ्ट एलकाइलेसन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एलकाइलेशन की कि बेंजीन एंड अदर एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्ट विद एल्काइल हेलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए एन हाइड्रस एल, एल सी एल थ्री और या फिर एफ ई सी एल थ्री टू फॉर्म इज एलकाइल बेंजीन किसकी फॉर्मेशन देंगे वो एल्काइल बेंजीन की अब देखिए ये तो डेफिनेशन मैंने आपके लिए राइट डाउन की है तो हम बेंजीन लेके चले एल्काइल हेलाइड हमने इसके अंदर डाल दिया सी एस थ्री सी एल किसकी प्रेजेंस में करोगे एनहाइड्रस से एल सी एल थ्री के साथ तो यहाँ से क्या रिप्लेस होगा हमारे पास एच यहाँ से निकलेगा बेसिकली एच के साथ सी एल बाहर निकल गया एच सी एल और सी एस थ्री ग्रुप अटैच हो गए यहाँ पर तो इसको हम क्या बोलेंगे टोलिन मतलब बेंचिन के ऊपर सी एस थ्री दिस इज ए टोलिन ग्रुप अब इसी केस में जो टोलिन है टोलिन के अंदर फर्दर हमने क्या डाल दिया सी एस थ्री सी एल मीन्स एल्काइल हेलर डाल दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रा से एल सी एल थ्री तो यहाँ पर जो सी एस थ्री है बेसिकली ये कहाँ पर अटैच होगा बच्चों एक बार औरतों पोजिशन पर इसको हम ऑर्थो बोलते हैं एक बार कहाँ पर होगा पैरा पोजिशन पर तो यहाँ हमारे पास क्या बन गया ये ऑर्थो पोजिशन औरतों क्या बोलेंगे इसको जाइलिन उसके बाद यदि पैरा पे आता है तो पैरा क्या बन गया हमारे पास जाइलिन बन गया तो ये हमारे पास रहेगी फ्रिडल क्राफ्ट एलकाइलेशन रिएक्शन नेक्स्ट हमारे पास है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन तो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन बेसिकली काफ़ी टाइप से आप कर सकते हैं इसके मैंने सारे यहां पर किए हुए हैं। तो देखिए इसके अंदर क्राफ्ट के अंदर, तो पहले आप केस में सबसे पहले फॉर्माइल ग्रुप जिसके अंदर सिर्फ सिंगल कार्बन होगी कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन उसके बाद एसिटाइल ग्रुप जिसके अंदर दो कार्बन होंगे उसको हम एसिटाइल बोलते हैं सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ बेंजोइल के अंदर क्या होंगे कार्बन हमारे पास सी सिक्स एच फाइव और उसके साथ सी डबल बॉन्ड हो तो ये हमारे पास क्या बनेगा बेंजोइल ग्रुप तो तीनों किसी के साथ भी आप ये रिएक्शन कर सकते हैं फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन अब इसके अंदर देखिए क्लोरो बेंजिन लेके चले हमने क्या डाला इसके अंदर सी एस थ्री सी डबल बोंडो सी एल तो इसको हम क्या बोलेंगे वन टू एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए एफ ई सी एल थ्री एन या फिर आपने क्या डाल दिया इसके अंदर ए एल सी एल थ्री एन अब यहाँ से क्या होगा बच्चों औरथो पोजिशन से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और वो किसके साथ से निकल जाएगा सी एल के साथ और ये वाला ग्रुप उल्टे पैर यहाँ पर जमा हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री इट मीन्स क्या लिखोगे आप इसको टू पे क्लोरो वन टू टू पे क्लोरो और ये क्या बन जाएगा हमारे पास एसिटोफिन अब एक बनेगा हमारे पास ये वाला सेम यहाँ से पैरा पोजिशन पर लगा देते हैं सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री तो ये बनेगा फोर क्लोरो एसिटोफिनोन ये मेजर प्रोडक्ट होगा ये हमारे पास क्या होगा माइनर प्रोडक्ट तो ये थी हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बेसिकली आप फॉर्माइल के साथ भी कर सकते हैं आप बेंजोइल ग्रुप के साथ भी कर सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास उलमन रिएक्शन क्या होती है तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी बेसिकली तो उलमन रिएक्शन में क्या लेके चलना है आप क्लोरो क्लोरोबेंचिन लेके चलोगे आप बेसिकली क्लोरो क्लोरोबेंचिन भी क्या लेके चलोगे टू टाइम्स अब इस केस में सी एल बाहर निकल जाएगा सी यू आई के साथ इसकी रिएक्शन कर दोगे आप प्लस क्या निकलेगा डाइफिनइल निकल जाएगा जिसमें दो बेंजिन आपस में मिल जाएंगे उसको आप क्या बोलोगे उलमन रिएक्शन क्लियर हो गए ये भी ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के अंदर नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो है ग्रिगनाड के साथ तो ग्रिगनाड के अंदर हम क्या लेके चलेंगे बेसिकली बच्चों क्लोरो बेंजिन अब ग्रिगनाड बेसिकली क्या होता है आर एम जी एक्स ठीक है ना अब इस केस में क्लोरो बेंजिन लेके चले एम जी इसके अंदर डाल दिए दी प्रेजेंस ऑफ एथर तो हमारे पास एम जी ग्रुप कहाँ पर अटैच हो जाएगा बेसिकली बेंजिन रिंग के साथ तो ये हमारे पास एम जी सी एल प्लस बेंजिन तो इसको हम क्या बोलेंगे फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड तो ये हमारे पास थी ग्रिगनाड वाली रिएक्शन जो भी ये भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास है बेसिकली एल्कोहल फिनोल एंड ईथर वाले चैप्टर से तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी तो कन्वर्जन भी है इसके अंदर काफ़ी तो सबसे पहले हम नेम रिएक्शंस कर रहे हैं बेसिकली बच्चों फ्रॉम क्यूमेन अब क्यूमिन का जो नाम है उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन अब आइसोप्रोपाइल बेंजीन मीन्स लाइक इसे सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे कि क्यूमिन आर ए एरियल ऑक्सीडेशन फॉर द क्यूमन हाइड्रोपरऑक्साइड विच अपॉन द सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिस विद ए डायल्यूट एसिड गिव ए फिनोल एंड एसिटॉल अब देखो ये तो है डेफिनेशन अब ये हमारे पास क्यूमीन है क्यूमीन मीन्स लाइक इज ए दिस इज़ ए आइसोप्रोपाइल बेंजिन तो यहाँ पर ये ग्रुप कौन सा बन गया हमारे पास आइसोप्रोपाइल और इसके नीचे क्या है ये बेंजिन तो इसको हम क्या बोलते हैं क्यूमिन अब इसका ऑक्सीडेशन करना है आपने ये ऑक्सीडेशन भी कहाँ करना है एरियल पार्ट में ऊपर वाले टॉप वाले पार्ट में ऑक्सीडेशन करोगे जब इसका आप ऑक्सीजन डाल लेते हैं इसके अंदर तो हमारे पास यहाँ से क्या होगा बच्चों ओड टू यहाँ पर आ जाएगा और उसके साथ एच ये हमारे पास क्या बन गया दिस इज ए क्यूमेन हाइड्रोपरोक्साइड बन गया सेम वही चीज़ एवरी थिंग बस सिर्फ आपने ऑक्सीजन को ऐड किया यहाँ पर कार्बन के साथ तो ये सी ओ टू यहाँ पर आ गया हमारे पास सी ओ ओ टू बन गया और ये एच तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप बन गया यहाँ पर तो क्यूमेन हाइड्रोपरोक्साइड जब इसकी फर्दर किसके साथ रिएक्शन करते हैं एसिडिफाइड करते हैं डायल्यूट एसिड के साथ एच सी एल ले लो या यहाँ पर एच पॉजिटिव आंसर ले लो तो यहाँ से ये यह सारा ग्रुप क्या होगा रिप्लेस हो जाएगा सिर्फ उसके साथ क्या रह जाएगा हमारे पास ओ एच बेन्जिन के साथ तो फिनोल बनेगा और सेकेंड क्या बनेगा बच्चों एसीटोन बन जाएगा ये हमारे पास क्या है सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के अंदर नेक्स्ट है हमारे पास कोलबे रिएक्शन अब जो कोलबे रिएक्शन है बेसिकली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि वेन एज सोडियम फिनोक्साइड अब सोडियम फिनोक्साइड आपको बेसिकली पता है बेंजीन के ऊपर ओ लगा देते हैं इज हीटेड विद ए कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ हीट करना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एट 400 हंड्रेड कैलविन अंडर ए प्रेशर ऑफ ए फोर टू सेवन एटमोस्फेयरिक द रिजल्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑन ए एसिडिफिकेशन ईल्ड ऑफ ए सैलिसाइलिक एसिड अब इसमें क्या बनेगा सेलिसलिक एसिड बनेगा बेसिकली तो देखिए फिनोल लेके चले फिनोल के अंदर आपने क्या डाल दिया एन एच तो हमारे पास यहाँ से क्या निकलेगा बेसिकली वाटर बाहर निकल जाएगा और ये ओ एन ए ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे सोडियम फिनोक्साइड इसको फर्दर हम 400 हंड्रेड कैलविन इसमें टेम्परेचर डाल देते हैं और 4 टू 7 एटमोस्फेरिक प्रेशर और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैटलिस्ट के रूप में डाल देते हैं तो हमारे पास क्या निकलेगा इस केस के अंदर बच्चों सेम केस हमारे पास यहाँ पर ओएच ग्रुप अटैच हो जाएगा और यहाँ पर सी ओ ओ ये हमारे पास क्या है सी ओ ओ एन ए तो सोडियम क्या बन गया हमारे पास सैली साइलेट बन गया अब इसकी फर्दर एच पॉजिटिव आंस के साथ रिएक्शन करोगे तो हमारे पास क्या है सी ओ यहाँ से एन ए को रिप्लेस कर देगा और ये एच आ जाएगा तो ये क्या बन गया हमारे पास सैली सिलिक एसिड बन गया तो दिस इज़ ए कोल्बे रिएक्शन तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के अंदर अब इसी के अंदर बेसिकली एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है इसी पार्ट के अंदर कि सैलिसिलिक एसिड इज ए इज ए बेसिकली स्टार्टिंग मटीरियल फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ये स्टार्टिंग मटीरियल है किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए टू बेंजोइक एसिड जिसको हम क्या बोलते हैं दिस इज एसीप्रेन अब ये बेसिकली सेलिसिलिक एसिड लेके चले एसिडिक एन हाइड्राइड डाल दिया एसिडिक एन हाइड्राइड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है सी एस थ्री सी ओ का होल्ड टू और ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंसनट्रेटेड एस टू एस ओ तो हमारे पास क्या निकलेगा बेसिकली देखिए बच्चे यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर क्या लगेगा हमारे पास सी ओ सी एस थ्री तो सी ओ सी एस थ्री ग्रुप यहाँ पर लगा तो यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो वो किसके साथ चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ अब यहाँ पर ये यह दो ग्रुप है अब दो ग्रुप के होने की वजह से तो सी एस थ्री सी ओ ओ और उसके साथ क्या हो जाएगा हमारे पास एच एसिडिक एसिड बाहर निकल गया और ये सी ओ सी एस थ्री वाला ग्रुप ऊपर जाके अटैच हो गया ठीक है ना तो इसका नाम मीन क्या होगा हमारे पास कि टू एटोक्सी हमारे पास और उसके बाद बेंजोइक एसिड जिसको हम क्या बोलते हैं एससी प्रीन बोलते हैं तो ये कन्वर्जन रिएक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के अंदर नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है राइमर टाइमन रिएक्शन तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के अंदर कि ट्रीटमेंट ऑफ ए फिनोल विद ए क्लोरोफॉम इन द प्रेजेंस ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोड बाय द हाइड्रोलिस ऑफ ए रिजल्टिंग प्रोडक्ट गीव सजे और तो हाइड्रोक्सीबेन्जेल्डी हाइड जिसको हम क्या बोलते हैंडी सेलेल, हाइड एज ए मेजर प्रोडक्ट अब देखो बच्चों सेम क्या लेके चले हमारे यहाँ पर फिनॉल अब इसके अंदर हमने क्लोरोफॉम डाल दिया सी एच सी एल थ्री प्लस एन यू एच एक्व के अंदर टेम्परेचर क्या लिया थ्री हंड्रेड फोर्टी कैलविन अब इस केस में हमारे पास जो ओ एन ए ग्रुप है वो कहाँ पर जाएगा यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा अब इस केस में जो हमारे पास सी एच सी एल ये क्या है हमारे पास सी एच सी एल टू कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर अब इस केस में जब इसकी फर्दर रिएक्शन करते हैं किसके साथ करोगे आप एन के साथ तो हमारे पास यहाँ से रिप्लेस कर देगा किसको सी को बाहर रिप्लेस कर देगा और यहाँ पर कौन सा ग्रुप बन जाएगा हमारे पास सी ग्रुप बन जाएगा ठीक है ना अब इसको फर्दर एच पॉजिटिव आयंस के साथ करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एन ए रिप्लेस हो जाएगा तो ये हमारे पास ओ एच ग्रुप बन गया तो इसको हम क्या बोलेंगे सेली सेलिलडी हाइडमींस लाइक इज ए हमारे पास वन टू तो ये क्या बन गया टू हाइड्रोक्सी बेंजनेिल्डीहाइड ये हमारे पास बेंजनेलडीहाइड बन गया इसको हम क्या बोलेंगे राइमर टाइमन रिएक्शन तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बेसिकली उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विलियम सेथिसाइज रिएक्शन अब विलियम सेथिसाइज रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी तो इसको मैंने प्रॉपर ही किया है कि इट कंसिस्ट द रिएक्टिंग ऑफ एन एल्का्काइल हेलाइड विद सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम फिनोक्साइड टू फॉर्म इज ए ईथर या तो आप किसके साथ रिएक्शन करो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ या फिर सोडियम फिनोक्साइड के साथ तो किसकी फॉर्मेशन देगा ये ईथर की तो हमारे पास आर एक्स एल्काइल हेलाइड लेके चले इसमें क्या डाल दिया आपने सोडियम एल्कोक्साइड ये हमारे पास क्या होता है आर ओ एन ए अब इस केस में हमारे पास क्या निकला देखो यहाँ से बेसिकली एन एक्स बाहर निकल गया और प्लस हमारे पास आर और आर डैस यहाँ पर ये ग्रुप हो गया ना जो बेसिकली आर के साथ कौन सा ग्रुप आया एन एक्स बाहर निकला बच्चों तो हमारे पास आर और ओ आर डैस ये ये अलग निकल गया इसको हम क्या बोलते हैं ईथर बोलते हैं अब इस केस में कि इट इज़ ए कन्वीनियंट मैथड टू परपेयरिंग ऑफ ए सीमेट्रिकल एज वेल एज ए अनसिमेट्रिकल ईथर अब हमारे पास इथर बेसिकली क्या होता है एक तो सिमेट्रिकल होता है जिसके अंदर सेम ग्रुप अटैच होते हैं और एक अनसिमेट्रिकल होता है जिसके अंदर टू डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिमेट्रिकल के लिए तो हमने यहाँ पर क्या लिया इथाइल आयोडाइड सी एस थ्री सी एस टू आई प्लस सोडियम क्या डाल दिया इसके अंदर एल्कोक्साइड मतलब एन पॉजिटिव ओ नेगेटिव और सी एस टू सी एस थ्री अब यहाँ से क्या निकलेगा हमारे पास एन आई बाहर निकल जाएगा सी एस थ्री सी एस टू और उसके बाद ओ और यहाँ पर क्या बच गया सी एस टू और सी एस थ्री तो ये हमारे पास टू एन आई बाहर निकल गया तो इसको हम क्या बोलेंगे दिस इज ए डाई डाई इथाइल ये हमारे पास दो इथाइल ग्रुप हो गए तो डाई इथाइल इथर तो ये हमारे पास सिमेट्रिकल मतलब सेम ग्रुप दोनों साइड्स में आए हैं इसको हम सिमेट्रिकल कहेंगे ऐसे ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अनसिमेट्रिकल की अब यहाँ पर हम मिथाइल ब्रोमाइड लेके चले सी एस थ्री बी आर अब इसके अंदर हमने क्या डाल दिया सोडियम ट्रसरी ब्यूटोक्साइड डाल दिया तो एन ए पॉजिटिव ओ नेगेटिव और ये हमारे पास ट्रसरी वाला ग्रुप है कौन सा है कार्बन चार है तो इसको हम क्या बोलेंगे ब्यूटोक्साइड अब इस केस में देखो क्या निकलेगा बच्चों एन ए के साथ तो बी आर बाहर चला गया उसके बाद सी एस थ्री के साथ ओ और बाकी सेम ग्रुप है यहीं पर अटैच कर दोगे आप तो ये हमारे पास क्या बनेगा मिथाइल ट्रसरी ये मिथाइल ग्रुप है ये ट्रसरी हो गया हमारे पास और ये ब्यूटाइल ईथर बन गया सो दिस इज़ ए अनसिमेट्रिकल ईथर मतलब ये ग्रुप अलग है और ये वाला क्या रहेगा अलग रहेगा सो दिस इज ए हमारे पास कौन सी है ये विलियम सेंथेसाइज रिएक्शन अब इसकी एक फर्दर रिएक्शन और है बेसिकली वो भी मैं आपको करा देता हूँ वन मोर रिएक्शन फॉर ए विलियम सेंथेसिज रिएक्शन बच्चों ये रहेगी हमारे पास मिथाइल आयोडाइड के साथ सोडियम फिनोक्साइड लेके चले आप इस केस के अंदर तो यहाँ से हमारे पास क्या रिप्लेस करेंगे एन ए आई रिप्लेस हो जाएगा और उसके साथ सी एस थ्री ग्रुप आ जाएगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा मिथोक्सी बेंजिन या फिर इसको हम क्या बोलेंगे एनिशोल प्लस सोडियम आयोडाइड निकल जाएगा नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ ए एनिशोल एनिशोल अब हमारे पास क्या है बेंजीन के ऊपर ओ सी एस थ्री ग्रुप अब इसके अंदर आपने क्या डाल दिया मिथाइल क्लोराइड डाल दिया मतलब अल्काइल हेलाइड ग्रुप डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ए एल सी एल थ्री एंड हाइड्रस या फिर हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड के साथ तो इस केस में क्या होगा कि जो सी एस थ्री ग्रुप है एक बार तो ओरथो पोजिशन पर आ जाएगा और एक बार सी एस थ्री ग्रुप कहाँ पर आ जाएगा पैरा पोजिशन पर तो एच सी एल बाहर निकल जाएगा तो ये हमने क्या किया सेम ओ सी एस थ्री और उसके बाद एक बार तो कहाँ पर लगाया सी एस थ्री को पैरा पोजिशन पर एक बार कहाँ पर लगा दिया बेसिकली ऑर्थो पोजिशन पर तो ये हमारे पास क्या बनेगा फोर टोलिन तो ये रहेगी हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ ए एनिशॉल अब नेक्स्ट हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ एसाइलेशन ऑफ एनिशोल अब इस केस में हम किसकी बात करेंगे एसाइल ग्रुप की बात करेंगे एसाइल में अभी मैंने जस्ट बताया था इसमें आप फॉर्माइल ले सकते हैं इसके अंदर आप एसिटाइल ले सकते हैं इसके अंदर आप बेसिकली बेंजोइल ले सकते हैं तो एनिशोली आपने बेंजिन के ऊपर ओ सी एस थ्री अब इसमें एसिटाइल क्लोराइड डाल दिया सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड हो सी एल अब इन दी ऑफ ए क्या लेके चलोगे यहाँ पर ए एल सी एल थ्री या फिर एफ ई सी एल थ्री जिसको हम लुइस एसिड कैटलिस्ट कहते हैं अब यहाँ से क्या रिप्लेस होगा बेसिकली आपका एच यहाँ से निकलेगा ऑर्थो पोजीशन से या फिर ये हमारे पास पैरा पोजीशन से निकलेगा या फिर ऑर्थो पोजीशन से तो H और एच सी एल बाहर निकल जाएगा और ये वाला जो ग्रुप है सी ओ सी एस थ्री ये एक बार कहाँ पर आ जाएगा ओर्थोपे और एक बार कहाँ पर आ जाएगा पैरा पोजिशन पर तो ओ सी एस थ्री और यहाँ पर सी ओ सी एस थ्री यहाँ पर आ गया सी ओ सी एस थ्री ग्रुप यहाँ पर आ गया एक बार कहाँ पर आ गया ओर्थोपे एक बार पैरा पे तो इसका नाम क्या लिखोगे आप ये पैरा पे है तो पैरा मिथोक्सी और पैरा पे कौन सा ग्रुप है हमारे पास मिथोक्सी और एसीटोफिन उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास रहेगी डाइजोटाइजेशन रिएक्शन अब डाइजोटाइजेशन रिएक्शन बेसिकली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनिलीन से कन्वर्ट करना है डायरेक्ट फिनॉल के अंदर तो किसके साथ करोगे सोडियम नाइट्रेट प्लस एच के साथ टेम्परेचर जीरो टू फाइव डिग्री सेल्सियस तो क्या बनेगा हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इसकी फर्दर हमने क्या कर देनी है एच पॉजिटिव आयन्स के साथ या वाटर के साथ रिएक्शन कर दो तो डायरेक्ट ही हमारे पास क्या बनेगा फिनॉल बन जाएगा तो दिस रिएक्शन इज नोन एज ए डाइजोटाइजेशन रिएक्शन नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है स्कोट बोमन रिएक्शन अब स्कोट बोमन रिएक्शन बेसिकली फिनोल के साथ किस किस रिएक्शन करोगे आप बेंजोइल क्लोराइड के साथ तो बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास सी सिक्स एच फाइव सी ओ सी एल अब इन द प्रेजेंस ऑफ ए एक्वस एन एच के साथ तो यहाँ से क्या होगा बेसिकली बच्चों एच यहाँ से रिप्लेस होगा और एच सी एल बाहर निकलेगा और उसके साथ क्या ग्रुप जुड़ जाएगा सी ओ सी सिक्स एच फाइव यहाँ पर अटैच हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ए एक्वस एन एच तो ये इसको हम क्या बोलेंगे दिस इज ए फिनाइल बेंजोइट बन जाएगा हमारे पास प्लस एच सी एल बेंजिन के ऊपर कौन सा ग्रुप है वो ग्रुप पहले ही है हमारे पास और उसके साथ सी ओ सी सिक्स एच फाइव जुड़ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे फिनाइल बेंजोइट नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है कपलिंग विद डाइजोनियम सॉल्ट अब कपलिंग रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपने लेके चलना है प्लस उसके साथ क्या अटैच कर दोगे फिनॉल इन दी प्रेजेंस ऑफ ए पी जो होगा बेसिकली नाइन टू टेन के अंदर लेके चलोगे माइनस एच बाहर चला जाएगा अब इस केस में कपलिंग डाइजोजनिंग करना है बेसिकली तो यहाँ से आपका क्या रिप्लेस होगा यहाँ से एच निकलेगा एक तो इसके अंदर से और ये सी तो यहाँ पर हमारे पास बेंजिन के साथ एन डबल बोंड एन और ये बेंजिन सेम एज इज था फिनोल यहाँ से एक ऐसे रिप्लेस हुआ एच के साथ सी एल बाहर निकला और ये इसके साथ अटैच हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे तो देखो बेंजिन पे आपने क्या लगाया एन डबल बोंड एन और यहाँ पर बेंजिन पे ओ एच ग्रुप है ये यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया सिर्फ उसके साथ क्या अटैच हो गया नाइट्रोजन तो इसको हम बोलेंगे फोर हाइड्रोक्सी चार पे क्या है हमारे पास वन देखो वन टू थ्री फोर फोर पे हाइड्रोक्सी और जो एन डबल बॉन्ड एन होता है इसको हम बोलते हैं एजो तो एजो बेंजिन और ये बेसिकली क्या बनेगी एन ऑरेंज डाई बनेगी सो दिस इज ए कपलिंग विद ए डाइजोनियम साल्ट उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास फ्राइज अब ये फ्राइज रीअरेंजमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फिनाइल एस्टर ईओन हीटिंग विद एन हाइड्रस एल सी एल थ्री अंडर गोज़ ए फ्राइज रीअरेंजमेंट इन विच ऑफ द एसाइल ग्रुप एसाइल ग्रुप मीन्स लाइक इज एसिटाइल और बेंजोइल एक्सेट्रा माइग्रेट फ्राम द फिनिक ऑक्सीजन किसको माइग्रेट करेगा ये फिनोलिक ऑक्सीजन को कौन सी पोजिशन पर टू ओर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ द बेंजिन रिंग रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए ऑर्थो एंड पैराहाइड्रोक्सिकिटोन अब देखो बच्चों आपने किसकी बात की यहाँ पर फिनाइल एस्टर की बात की मतलब फिनाइल एसीटेट तो बेंजिन के ऊपर ओ सी ओ सी एस थ्री है अब इसको हम क्या बोलेंगे फिनाइल एसीटेट किसके साथ रिएक्शन करोगे आप किसकी प्रेजेंस में ए एल सी एल थ्री एंड हाइड्रस के साथ हीट करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास डायरेक्ट ही क्या बनेगा बेसिकली माइग्रेट कर देगा किसको फिनोल जो फिनोलिक ऑक्सीजन है कहाँ पर ओर्थो एंड पैरा पोजिशन पर तो यहाँ पर हमारे पास ओ एच आ जाएगा ये एच और ये सी ओ सी एस थ्री कहाँ पर चेंज करेगा ये पैरा पोजिशन पर और प्लस एक बार कहाँ पर कर देगा ऑर्थो पोजिशन पर तो इसको हम क्या बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी और पैरा पे क्या है हाइड्रोक्सी और ये क्या बन गया एसीटोफिनोन ऐसे ही हमारे पास क्या है ये ओ पे क्या है हाइड्रोक्सी एसिटोफिन सो दिस इज़ ए फ्राइज रीअरेंजमेंट तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के अंदर सो नेक्स्ट नेम रिएक्शन रहेगी हमारे पास चैप्टर एल डी हाइड किटोन एंड कार्बोक्सलिक एसिड तो ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा तो इसकी भी हमने सारी रिएक्शन को कवरअप किया है तो हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन है इसकी रोजनमंड रिडक्शन क्या होती है कि हाइड्रोजनेशन और एसाइल क्लोराइड और ए प्लेडीनम और ए बेरियम सल्फेटगीव से एल डी हाइड तो देखिए बच्चों रोजनमंड रिडक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर रोजनमंड रिडक्शन होता क्या है कि हाइड्रोजनेशन और एसिटाइल क्लोराइड और ए प्लेडियम और ए बेरियम सल्फेट टू गिव एल तो किसकी फॉर्मेशन देता है ये एल की हम क्या लेके चले यहाँ पर एसाइल क्लोराइड मींस लाइक इज ए एसिटाइल क्लोराइड इसका फॉर्मूला क्या रहेगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड हो सी एल तो हाइड्रोजिनेशन कर दिया उसके साथ क्या डाल दिया इसके अंदर पैलाडियम और बेरियम सल्फेट अब इस केस में ये एच यहाँ से रिप्लेस कर देगा किसको को सी एल को तो एच सी एल बाहर निकल गया और एच यहाँ पर अटैच हो गया तो इसकी हमने क्या की सिर्फ रिडक्शन की रिडक्शन मीन्स हाइड्रोजिनेशन तो ये हमारे पास क्या बन गया एस टी एल डी हाइड एल डी हाइड ग्रुप यहाँ पर क्रिएट हो गया उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी रिएक्शन है बेसिकली वो है बेंजाइल के साथ तो बेंजोइल क्लोराइड ले लिया आपने सी सिक्स एच फाइव उसके साथ सी डबल गोंडो सी एल हाइड्रोजिनेशन कर दी इन द प्रेजेंस ऑफ ए प्लेडियम और बेरियम सल्फेट इस केस में क्या निकलेगा फिर फर्दर एच सी एल बाहर निकल जाएगा और सी एच ओ ग्रुप बन जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बेंजेल डी हाइड अब इस केस में जो रिएक्शन है हमारे पास सल्फर जो है वो किसकी ट्रैक्ट करता है यहाँ पर पोइजन की जो मैंने यहाँ पर आपको राइट डाउन करके दिखाया है तो ये थी हमारे पास रिएक्शन फर्स्ट रोजन मंड रिडक्शन सेकेंड रिएक्शन हमारे पास है स्टीफन रिएक्शन क्या होती है या स्टीफन रिडक्शन बोलते हैं इसको भी बेसिकली इसमें भी रिडक्शन की बात करेंगे तो देखिए स्टीफन रिडक्शन क्या होगी कि नाइट्राइल आर रिड्यूज टू कोरस्पॉन्डिंग जो नाइट्राइल ग्रुप है बेसिकली ये कोरस्पोंडिंग क्या होगा बेसिकली बच्चों रिड्यूस होगा इमाइन विद ए स्टेनियस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए हाइड्रोजन क्लोराइड विच ऑन हाइड्रोलिस गिव ए कोरस्पोंडिंग एल डी हाई तो देखो हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप कौन सा होता है आर सी एन मतलब आर के साथ सी ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस क्या डाल दिया इसके अंदर हमने स्टेनियस क्लोराइड एस एन सी एल टू प्लस एच सी एल तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आएगी यहाँ से इमाइन की आर सी एच और इसके साथ एक एच आ जाएगा और डबल बॉन्ड किसके साथ आ जाएगा यहाँ पर एन एच तो इसको इमाइन बोलते हैं इसकी फर्दर क्या डालना है इसके अंदर बच्चों एच पॉजिटिव आइंस मीन्स लाइक ए हाइड्रोनियम आइंस तो क्या नि, निकलेगा हमारे पास एल डी हाइड आर सी एच ओ बन जाएगा अब इसकी जो मेन बेस रिएक्शन है वो चेक कीजिए यहाँ पर कि इथे नाइट्राइल लेके चले आप सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड एन स्टेनियस क्लोराइड डाल दिया एच सी एल के साथ पार्शली रिडक्शन कर दी तो हमारे पास सी एच थ्री एच इट इज़ उसके साथ सी एच यहाँ से बॉन्ड एक ब्रेक हो गया तो इसके साथ क्या आ जाएगा एन एच क्योंकि हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं यहाँ पर भी हाइड्रोजन डाल रहे हैं तो एक एच आया एक एच आया उसके बाद ये हमारे पास क्या बन गया ई e माइन अब इसको फर्दर है एच पॉजिटिव आयन्स के साथ रिएक्शन कर देते हैं हाइड्रोनियम आइन्स के साथ तो यहाँ से ये यह सारा ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा तो सी के साथ डबल बॉन्ड और यहाँ पर एच तो इसको हम क्या बोलेंगे एस्टेलडी तो ये थी हमारे पास स्टीफन रिएक्शन नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है इटार्ड e रिएक्शन क्या है इटार्ड रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम्स के अंदर तो देखिए कि क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइज मिथाइल ग्रुप टू ए क्रोमियम कॉम्प्लेक्स विच इज ए हाइड्रोलिसिस गिव ए कोरस्पोंडिंग बेंजेल्डिहाइड तो ये डेफिनेशन है क्रोमाइल क्लोराइड लेके चलना है बच्चों ऑक्सीडाइज किसके साथ करोगे मिथाइल ग्रुप टू इज ए क्या देगा ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स भी चीज़ें हाइड्रोलिसिस गिव से आगे फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो कोरोस्पॉन्डिंग क्या देगा पेंजेलडी हाइड देगा तो हमारे पास टोलिन लेके चले इसके अंदर हमने क्या डाला क्रोमाइल क्लोराइड क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या रहेगा सी आर ओ टू सी एल टू किसके साथ करोगे कार्बन डाइसल्फाइड के साथ तो यहाँ से क्या होगा बेसिकली बच्चों हाइड्रोजन रिप्लेस होगा ठीक है ना एच निकलेगा और उसके साथ ये हमारे पास सी आर ओ टू सी एल टू अब ये दो टाइम लेके चलना है बेसिकली तो ये वाला अटैच हो जाएगा किसके साथ इस कार्बन के साथ तो सी एच और उसके साथ आपने क्या लगा दिया सेम ये ऑक्सीजन दो है एक ऑक्सीजन और फिर एक ऑक्सीजन उसके साथ सी आर है तो सी आर और उसके बाद एच सी एल टू यहाँ पर लगा दिया टू टाइम्स कर दिया तो ये हमारे पास क्या बन गया क्रोमियम कॉम्प्लेक्स प्लस इसकी फर्दर रिएक्शन कर देते हैं किसके साथ हाइड्रोनियम आइन्स के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा बेन्जेलडी हाइड बन जाएगा सी एच ओ ग्रुप ठीक है ना दिस इज ए बेंजेल डी हाइड सी एच ओ ग्रुप उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है गैटरमैन कोच रिएक्शन तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के अंदर कि वेन ए बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव इज ट्रीटेड विद ए कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एन हाइड्रस एल सी एल थ्री या फिर कॉपर क्लोराइड इट गिव्स ए बेंजिलडी तो क्या देगा ये पेंजिलडी देगा तो दिस इज ए गेटरमैन रिएक्शन तो आप क्या लेके चले बेंजीन लेके चले इसके अंदर आपने क्या डाल दिया कार्बन मोनोक्साइड प्लस एच सी एल इन द प्रेजेंस ऑफ ए एन हाइड्रस एल सी एल थ्री या फिर के ऊपर क्लोराइड तो हमारे पास क्या बना डायरेक्ट ही बेंजेलडी बेंजीन के ऊपर सी एच ओ ग्रुप लगा दो तो बेंजेलडी बन जाएगा सो दिस इज ए गैटरमैन रिएक्शन ये आपने लर्न कर लेनी है कि भाई बेंजीन से बेंजेलडी बनाना तो दिस इज ए गैटरमैन कोच रिएक्शन नेक्स्ट हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बेसिकली हर एक चैप्टर में आपको मिलेगी कि बेंजीन के अंदर आपने कौन सा ग्रुप डाल दिया बच्चों यहाँ पर एसाइल वाला ग्रुप डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस हाइड्रस एल सी एल थ्री तो हमारे पास क्या जुड़ेगा यहाँ पर एच सी एल यहाँ से बाहर निकलेगा एच इधर से और सी एल इधर से तो सी डबल बॉन्ड ओ आर ग्रुप यहाँ पर अटैच हो गया प्लस एच सी एल अब इस केस में हम क्या लेके चल रहे हैं बेंजिन और प्लस बेंजोइल क्लोराइड बेंजोइल क्लोराइड मीन सी सिक्स एच फाइव सी ओ सी एल इन द प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस एल सी एल थ्री तो हमारे पास यहाँ से एच सी एल निकलेगा और ये वाला ग्रुप सीधा ही इस बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा तो ये क्या बन गया हमारे पास बेंजीन सी डबल बॉन्ड ओ और बेंजीन तो बेंजो फिन क्या बोलेंगे इसको आप दिस इज ए बेंजो फिनोन प्लस एच सी एल सो दिस इज ए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है क्लीमिनसन रिडक्शन अब ये क्लीमिनसन रिडक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के अंदर कि द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डीहाइड एंड कीटोन इज रिड्यूसड टू सी एस टू ग्रुप ऑन ए ट्रीटमेंट विद जिंक अमलगम विद कंसनट्रेटेड एच सी एल देखिए ध्यान से कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है आपके पास उसके अंदर ऑप एल ले लो या फिर आपने कीटोन ले लिया जो रिड्यूस करेगा किसके अंदर सी एच टू ग्रुप के अंदर ऑन ट्रीटमेंट किसके साथ रिएक्शन करनी है आपने जिंक मलगम और कंसनट्रेटेड एच सी एल के साथ तो इसको हम क्या बोलेंगे बेसिकली कलिमेंसन रिडक्शन बोलेंगे सो दिस इज ए कार्बोनाइल ग्रुप इसकी आपने क्या करनी है रिडक्शन करनी है इन दी प्रेजेंस ऑफ ए जिंक अमलगम और इसके अंदर कंसनट्रेटेड एच के साथ तो किसकी फॉर्मेशन देगा बेसिकली बच्चों ये सी एच टू ग्रुप प्लस वाटर की तो ये हमारे पास रहेगी क्लीमेंसन रिडक्शन अब इस केस में देखिए हमारे पास हम क्या लेके चले यहाँ पर ब्यूटिलडी हाइड लेके चले सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू और सी एच ओ इसकी भी हमने फर्दर रिडक्शन कर दी थी प्रेजेंस ऑफ ए जिंक अमलगम और कॉन्सनट्रेटेड एच हमारे पास एच सी एल के साथ अब यहाँ से क्या रिप्लेस होगा बेसिकली जो हमारे पास एच ओ ग्रुप था उसे डायरेक्ट ही क्या बनेगा हमारे पास अल्केन ग्रुप बनेगा तो यहाँ पर हमारे पास सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी एस थ्री बन जाएगा और यहाँ पर ये जो है बेसिकली ये वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा नेक्स्ट हमारे पास एसिडोफिन ले लिया हमने बेंजीन के ऊपर सी ओ सी एस थ्री ग्रुप इसकी भी रिडक्शन कर दी यहाँ पर यहाँ पर एच टू डाल दो टू एच टू डाल दो या फिर फोर एच डालो इन दी प्रेजेंस ऑफ ए जिंक अमलगम किसके साथ कर रहे हैं यहाँ पर जिंक अमलगम विद कंसनट्रेटेड एच सी एल के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर सी एस टू सी एस थ्री तो इथाइल थाइलवेंजिन प्लस वाटर मोलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे सो दिस इज ए क्लीमेंसन हमारे पास रिडक्शन है नेक्स्ट रिएक्शन बेसिकली ये भी इसके ऊपर बेस्ड है बच्चों वोल्फ किसनर रिडक्शन क्या होती है अब इस केस में कि द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ ए एलडीहाइड एंड कीटोन इज रिड्यूस टू ए सी एस टू ग्रुप देखो अभी हमने किया जस्ट ओनली ऊपर क्लीमेंसन रिडक्शन के अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप है या एलडीहाइड टोन रेड्यूज बाय ए सी एस टू ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विद ए हाइड्राजीन किसके साथ ट्रीटमेंट करोगे हाइड्राजीन के साथ हाइड्रोजीन का फॉर्मूला क्या होता है एनएच टू सिंगल बॉन्ड एनएच टू फॉलोड बाई हीटिंग विद ए पोटासियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ ट्रीटमेंट करना है उसको आपने किसके साथ हीट करोगे सोडियम या पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट ए हाई बोलिंग सोलवेंट ए इथाइलिन ग्लाइकोल अब देखो सबसे पहले हमारे पास कौन सा ग्रुप है यहां पर दिस इज ए कार्बोनाइल ग्रुप सी डबल बॉन्ड हो हाइड्रोजीन डाल दिया एन एच टू एन एच टू वाटर मोलिक्यूल बाहर निकले तो सी के साथ हमारे पास यहाँ से वाटर मोलिक्यूल हाइड्रोजन निकलेंगे बाहर तो उसके साथ क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड के अंदर एन और एन एच टू तो इसको हम क्या बोलेंगे हाइड्रोजोन भाई कार्बन ऑयल से हमारे पास क्या बना हाइड्रोजोन बन गया इसकी जो फर्दर रिएक्शन कर दी किसके साथ क्यू एच के साथ या फिर इथालिन ग्लाइकोल के साथ फर्दर हीट कर दिया तो हमारे पास डायरेक्ट ही क्या बना सी एच टू प्लस नाइट्रोजन बाहर निकल गई अब इसकी जो मेन रिएक्शन है वो देखिए आप वोल्फ किसनर की जो रिडक्शन है हमने यहाँ पर क्या लिया एसीटोन एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड हो सी एस थ्री इसमें आपने क्या डाल दिया हाइड्रोजन एन एच टू एन एच टू को हम बोलते हैं हाइड्रोजन, तो वाटर मोलिक्यूल बाहर निकलेंगे यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन तो सीधा ही सी के साथ डबल बॉन्ड में क्या आ गया एन और एन एच टू आ गया अभी हाइड्रोजन बन गया इसकी जो फर्दर रिएक्शन आपने किसके साथ की है QH के साथ या इथाइलिन ग्लाइकोल को हीट कर दिया तो हमारे पास ये वाला ग्रुप ही बाहर निकल जाएगा सिर्फ क्या बचेगा आपके पास सी एस थ्री सी एच टू और सी एस थ्री तो प्रोपेन प्लस एन टू बाहर निकल गया तो दिस इज ए वोल्फ किशनर रिडक्शन ये हमारे पास कौन सी रहेगी वॉल्व किश्नर रिडक्शन नेक्स्ट हमारे पास है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के अंदर कि टू मोलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड और ए कीटोन दो मोलिक्यूल्स लेके चलने हैं आपने एल के या फिर कीटोन के कंटेनिंग एट लीस्ट वन अल्फ़ा हाइड्रोजन तो उसमें क्या होना चाहिए एक अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रजेंट होना चाहिए एट लीस्ट क्यून ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एल्कली जब आप रिएक्शन किसके साथ करोगे अल्कली, अल्कली का मतलब एन्यू या क्यूएच के, के साथ अंडर गोज़ ए कंडनसेशन टू फॉर्म इज ए बीटा हाइड्रोक्सी एल तो क्या बनाएगा वो बीटा हाइड्रोक्सी एल जिसको हम एल्डोल कहते हैं या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जिसको हम क्या बोलेंगे कीटोल बोलेंगे अब इसकी रिएक्शन देखिए आप देखिए हमारे पास एल्डोल रिएक्शन है तो हमने क्या लिया बेसिकली यहाँ पर टू ग्रुप ऑफ ए एथेनल ले लिया एल के दो ग्रुप ले लिए इसको मैंने ब्रेक करके लिखा हुआ बेसिकली बच्चों यहाँ पर तो मैंने लिख दिया सी एच थ्री सी डबल वन होच यहाँ पर मैंने इसको तोड़ दिया सी एस थ्री को एच में तोड़ा और यहाँ पर सी एच टू कर दिया डाइल्यूट एन ए ओ एच के साथ अब ये देखो बेसिकली जो एच है वो किसके साथ जाएगा ऑक्सीजन के साथ और ये सी किसके साथ अटैच हो जाएगा बेसिकली जाके सी एच टू के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा सी एच थ्री सी के साथ हमारे पास ओ OH, एच और उसके साथ क्या जुड़ गया हमारे पास सी एच टू और इसके साथ एक बेसिकली आपने यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देना है ये एच एक इसके साथ ये हाइड्रोजन है ये वाला हाइड्रोजन उसके बाद क्या बनेगा सी एस टू और सी एच ओ तो इसको हम क्या बोलेंगे थ्री हाइड्रोक्सी मतलब क्या है हमारे पास वन टू थ्री थ्री पे क्या है हाइड्रोक्सी और ये क्या बन गया ब्यूटेनल एल्डोल बन गया इसके आपने यहाँ से क्या किया है वाटर मोलिकूल को ही निकाल दिया मरद मीन्स लाइक इज ए हीट कर दिया तो यहाँ से हमारे पास देखिए अब ये अल्फ़ा कार्बन था और ये वाला हमारे पास क्या था बीटा तो यहाँ से अल्फ़ा में से क्या निकलेगा बेसिकली जो भी ग्रुप है ये निकल रिप्लेस हो जाएगा तो सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू अब इस केस में सी एच ओ तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर ब्यू टू इनल बन गया ब्यू टू इनल ठीक है ना अब इस केस में ये वाला हमारे पास अल्फा और ये हमारे पास क्या है बीटा कार्बन तो बीटा में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया इस केस में तो ये हमारे पास रहेगी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नेक्स्ट इसी के अंदर आप देख सकते हैं एक सेकेंड रिएक्शन हो रहा है हमारे पास तो यहाँ पर भी मैंने क्या लिया एसीटोन ले लिया सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड और सी एच थ्री यहाँ पर भी एसीटोन है टू टाइम्स है यहाँ पर अब इसको भी मैंने सी एस थ्री को ब्रेक कर लिया एच और सी एस टू के अंदर एच किसके साथ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ सी एस टू किसके साथ अटैच होगा इस कार्बन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ ए बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या निकलेगा सी एस थ्री सी के साथ सी एस थ्री एज इट इज़ और उसके साथ एच ऊपर चला गया ओ एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू और सी डबल बॉन्ड हो सी एस थ्री अब इसका नेमिंग कहाँ से करोगे आप वन टू थ्री फोर फोर पे हाइड्रोक्सी ये हाइड्रोक्सी ग्रुप पड़ा है फोर पे ही मिथाइल ग्रुप पड़ा है उसके बाद कार्बन कितने हैं पाँच तो क्या लिख दिया आपने पेंटेन और टू पे क्या पड़ा है हमारे पास ऑन तो ये क्या बन गया फोर हाइड्रोक्सी फोर मिथाइल पेंटेन टू ऑन अब इसको हम बेसिकली कौन सा ग्रुप है हमारे पास ये किटोन तो इसको हम क्या बोल देंगे किटोल बोल देंगे अब इसको जैसे आप फर्दर हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए हीट के साथ तो वाटर मोलिक्यूल बाहर निकलेगा तो वाटर कहाँ से निकलेगा बेसिकली ओ एच इधर से बच्चों और एच इधर से तो ये किसकी फॉर्मेशन दे देगा डबल बॉन्ड की तो सी थ्री सी और यहाँ पर सी एच थ्री हमारे पास एज इट इज़ और डबल बॉन्ड सी एच और सी डबल बॉन्ड हो सी थ्री तो ये क्या बन गया फोर मिथाइल पेंटेन थ्री इन और टू ऑन बन गया तो ये थी हमारे पास बेसिकली एल्डोल रिएक्शन नेक्स्ट हमारे पास है क्रोस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल इसी से मिलती जुलती है कि वैन एल्डोल कंडेंसेशन इज क्रिएटेड आउट बिटवीन द टू डिफरेंट एल्डिहाइड और एक इज कॉल्ड इज ए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन उसको आप क्या बोलोगे क्रॉस एल्डोल कि इसमें क्या बोला आपने कि वैन एल्डोल कंडेंसेशन जो एलडोल कंडेंसेशन आपने ऊपर फर्दर की है कि इस कैरीड आउट बिटवीन टू डिफरेंट एल डी हाइट दो अलग अलग एल डी हाइड ग्रुप लेंगे या फिर दो अलग किटोन ग्रुप लेंगे अब इसको हम क्या बोलेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन तो देखिए हमारे पास हमने ले लिया यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड का हाइट फार्मूला क्या होता है एच सी ओ एच मतलब या इसको आप ऐसे लिख सकते हो एच सी डबल बोंड ओ एच यहाँ पर आपने ले लिया एस टी एल डी हाइड मतलब सी एस थ्री सी डबल बोंड ओ एच अभी सी एस थ्री को ब्रेक करके लिख दिया हमने यहाँ पर एच सी एच टू अब इस केस में ये वाला अल्फा कार्बन है हमारे पास तो हाइड्रोजन किसके साथ जाएगी हमारे पास इस ऑक्सीजन के साथ और ये कार्बन किसके साथ आ जाएगी बच्चों ये सी एच टू ग्रुप इस कार्बन के साथ अब इन दी प्रेजेंस ऑफ ए डाइल्यूट किसके साथ करना है आपने एन यू एच के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर एच ओ ये एच ओ है बेसिकली उसके साथ हमारे पास सी एच टू ये हमारे पास क्या बन गया सी एच टू ये देखो सी एच टू हो गया उसके बाद सी एच टू ये सी एच टू एक ग्रुप इधर गया इसके साथ और सी डबल बॉन्ड ओ एच इसको मैंने इकट्ठा ही लिख दिया कि जो ओ एच ग्रुप है ये ओ एच ग्रुप ऊपर लग गया और नीचे हमारे पास ये वाला क्या बचा सी एच टू तो इसको हम क्या बोलेंगे क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट प्लस अब इस केस के अंदर दो चीज़ निकलती है हमारे पास एक तो सिंपल क्या निकलेगा एल्डोल प्रोडक्ट निकलेगा और एक क्रॉस वाला निकलेगा ये वाला तो क्रॉस हो गया ये हमारे पास सिंपल होगा सिंपल क्या होगा इस केस के अंदर कि सी एस थ्री जो हमारे पास सी एस थ्री एच इसके साथ चला गया उसके साथ सी ये हमारे पास सी एच के साथ ओ OH, एच और सी टू और डबल बॉन्ड्स ओ सी के साथ और ये एच तो ये हमारे पास क्या बन गया सिंपल एल्डोल प्रोडक्ट बन गया तो ये आगे फर्दर रिएक्शन है वो फर्दर रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार की रिएक्शन रहने वाली है अब क्रोस एल्डोल जो रिएक्शन है हमारे पास बच्चों क्रोस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इसमें हमने किसकी बात कर रहे हैं अब यहाँ पर बैनजेलडी प्लस इथेनलॉ की इथेनॉल को हमने तोड़ के लिखा यहां पर, CS2, bond, यहां है यहाँ पर सी एस थ्री को एच और सी एस टू सी डबल बॉन्ड ओ और एच अब यहाँ पर बेंजेलडी हार्ड है हमारे पास बेंजेलडी हाइड का फार्मूला क्या होगा बैंजिन के ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ एच अब यहाँ से सी एस टू किसके साथ जाएगा इस कार्बन के साथ और एच किसके साथ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ किसकी प्रेजेंस में करोगे एल्कली मीन्स लाइकेजे एन यू एच के साथ तो हमारे पास जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है बेंजीन बेंजीन पे क्या है एक तो बच्चों सी एच है ये सी एच लगा दिया आपने उसके साथ क्या जोड़ दोगे सी एच टू और सी डबल बॉन्ड ओ और एच और इस केस में जो एच है हमारे पास ये ऑक्सीजन के साथ चला गया अब इसमें से आपने वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया तो हमारे पास जब वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से निकलेंगे एक हाइड्रोजन इधर से और एक ओ इधर से तो क्या बनेगा सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच और सी एच ओ ये बन जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे दिस इज़ ए सीनमिलडी हाइड तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों सीनमिलडी हाइड उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बेंजेलडी हाइड प्लस एसिटोफिनोन ले लिया आपने बेंजेलडी हाइड का फार्मूला क्या हमारे पास सी एच ओ का फार्मूला क्या है हमारे पास सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और ये हमारे पास बेंचित किसके साथ रिएक्शन करोगे एल्कोहली एन्यो के साथ एट टेम्परेचर टू नाइन्टी पर तो इस केस में हमारे पास फर्दर वही सेम रिएक्शन करनी है आपने यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी और यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा बेसिकली ऑक्सीजन निकलेगी तो H2 इधर से निकाल दो बेसिकली और एक ये ऑक्सीजन इधर से निकाल दो तो हमारे पास क्या बनेगा बेंजीन के साथ सी एच डबल बॉन्ड सी एच और सी डबल बॉन्ड ओ और ये बेंजीन ये इज लिख दोगे सिर्फ यहाँ से आप क्या निकालना है आपने एक हाइड्रोजन निकालनी है और उसके साथ डबल बोर्ड आ जाएगा सी एच सी एच बन जाएगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल तो इसको आप क्या बोलोगे दिस इज ए बेंजिन एसीटोफिन या फिर वन थ्री फिनाइल प्रॉप टू इन वन ऑन इसका नंबरिंग करके दिखा देता हूँ मैं आपको देखो बेसिकली यहाँ पर क्या है हमारे पास फिनाइल एक पे फिनाइल दूसरे पे भी हमारे उसके बाद क्या है कार्बन वन टू थ्री कार्बन वन पे उसके बाद कार्बन थ्री पे तो डाईफिनाइल है और उसके बाद कार्बन कितने हैं बेसिकली हमारे पास तीन तो प्रोपेन और टू पे क्या है हमारे पास बेसिकली बच्चों डबल बॉन्ड है उसमें वन पे क्या है हमारे पास कीटोन ग्रुप है तो ये थी हमारे पास क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नेक्स्ट हमारे पास है कैनिजेरो रिएक्शन तो कैनिजेरो रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी बेसिकली कि एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन जिसके अंदर एल के अंदर कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है अंडर गो इज सेल्फ ऑक्सीडेशन ये वो क्या करेगी अपनी खुद की सेल्फ ऑक्सीडेशन करेगी एंड रिडक्शन करेगी कि ऑन ट्रीटमेंट विद किसके साथ कंसनट्रेटेड एल्कली के साथ एल्कली मीन्स एन्यू एच या फिर आपने क्यू एच ले लिया कंसनट्रेटेड फॉर्म में इन दिस रिएक्शन वन मोलिक्यूल ऑफ ए एल डी हाइड इज रिड्यूज टू एल्कोहल एक जो मोलिक्यूल है एल डी हाइड का वो रिड्यूस करेगा किसके अंदर एल्कोहल के अंदर वाइल अनदर इज़ ए कार्बोक्सोलिक साल्ट और जो दूसरे वाला है वो क्या देगा कार्बोक्सलिक साल्ट की फॉर्मेशन देगा अब इस केस में हम क्या लेके चले टू मोलिक्यूलों पर फॉर्मेल हाइड एल डी हाइड ग्रुप ले लिया टू मोलिक्यूल लिए एच सी एच ओ कंसनट्रेटेड की एच के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा एक तो एल्कोहल ग्रुप बनेगा तो सबसे पहले क्या बना मिथाइल एल्कोहल सी एस थ्री ओ एच और प्लस क्या निकल गया पोटासियम फॉर्मेट निकल गया एच सी ओ ओ नेगेटिव और के पॉजिटिव अब यहाँ से देखिए इस रिएक्शन के अंदर जो नेक्स्ट वाली रिएक्शन है बेसिकली बच्चों इसके अंदर कैनीजैरों के अंदर कि टू ग्रुप आपने बेंजेलडी लिया कंसनट्रेटेड एन के साथ तो एक तो हमारे पास क्या बना सी एच टू ओ एच बेंजाइल एल्कोहल प्लस एक क्या निकला हमारे पास सी ओ नेगेटिव और एन ए पॉजिटिव सोडियम बेंजोइट नेक्स्ट हमारे पास अब एक फ़र्दर रिएक्शन हो रहा है इसकी क्योंकि ये काफ़ी रिएक्शन है एग्जाम्स में पूछी जाती हैं आपने यहाँ पर क्या ले लिया वन टू 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 डाई मिथाइल और ये कार्बन कितने हैं? हमारे पास बेसिकली तीन तो क्या लिखोगे आप प्रोपेनल कौन सा ग्रुप है एल्डिहाइड इसकी जो एन एच फिफ़्टी परसेंट के साथ रिएक्शन जब आप करते हैं तो हमारे पास दो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी पहला क्या निकलेगा इसके अंदर सी एस थ्री सी और उसके ऊपर क्या है दो ग्रुप है हमारे पास मिथाइल और यहाँ पर हमारे पास बेसिकली क्या निकलेगा सी एच टू ओ एच एल्कोहल ग्रुप निकल गया तो इसको आप क्या बोलोगे टू टू डाई मिथाइल प्रोपेनॉल और उसके साथ हमारे पास जो सेकेंड ग्रुप निकलेगा वो कौन सा ग्रुप निकलेगा प्रोपेनोइट ग्रुप निकलेगा सी एच थ्री सी के ऊपर डाई मिथाइल ग्रुप और सी ओ ओ नेगेटिव और एन ए पॉजिटिव तो क्या लिखोगे इसको आप सोडियम टू टू आप सोडियम के बाद बच्चों वन टू 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 क्या है डाईमिथाइल और ये कौन सा ग्रुप बन गया प्रोपेनोइट क्लियर हो गया सो दिस इज़ ए कैनीजेरो रिएक्शन जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बेसिकली बच्चों एच वी जेड रिएक्शन जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं हेल वोलाड जेलेंस की रिएक्शन तो ये भी कई बार एग्जाम से पूछी जाती है काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि कार्बोक्सलिक एसिड हैविंग ए अल्फा हाइड्रोजन आर हेलोजिनेटेड एट ए अल्फा पोजिशन ऑन ट्रीटमेंट विद ए क्लोरिन और ए ब्रोमिन इन द प्रेजेंस ऑफ ए रेड फोसफोर्स टू गिव ए अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सलिक एसिड तो ये तो इसकी डेफिनेशन थी अब देखिए इसकी ध्यान में अब ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है बेसिकली बच्चों कार्बोक्सलिक ग्रुप है अब इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है जो आर एलोजिनेटेड किसके साथ होती है अल्फ़ा ऑफ पर ट्रीटमेंट विद क्लोरिन के साथ कर दोगे या फिर ब्रोमिन के साथ और यहाँ पर क्या डाल दोगे आप रेड फोर्स ठीक है ना अब सेकेंडली किसके साथ करोगे वाटर मॉलिक्यूल तो हमारे पास आर सी एस टू सी ओ एच ग्रुप है तो यहाँ से क्या होगा जो हमारे पास हेलिजन ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा किसके साथ बेसिकली अल्फा कार्बन के साथ तो R यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो तो R के साथ क्या है CH और यहाँ पर X जुड़ गया सी ओ ओ एच एक्स का मतलब यहाँ पर क्लोरो डाल दो या फिर ब्रोमो डाल दो तो इसको आप क्या बोलोगे अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सुलिक एसिड अब इस केस में इसको हम एच वी जेड रिएक्शन कहते हैं तो यहाँ पर देखिए इस केस में हमारे पास जो रिएक्शन रहेगी अब हमने बेसिकली क्या लिया बच्चों प्रोपेनोइक एसिड ले लिया सी एस थ्री सी एस टू सी ओ ओ एच तो इसकी जो रिएक्शन आपने करनी है कैटलिस्ट क्या डाल दिया सी एल टू और रेड फास्फोरस और सेकेंड जो स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया अब यहाँ से जो सी एल टू है बेसिकली वो किसके साथ आएगा यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उसके साथ क्या लगा दोगे आप सी एल लगा दोगे तो ये हमारे पास वन टू थ्री तो टू पे क्या आ जाएगा बच्चों क्लोरो और प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे एच वी जेड रिएक्शन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी सिर्फ़ आपने क्या करना है यहाँ पर अल्फ़ा पोजीशन दे देनी है किसके साथ क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ ठीक है ना किसकी प्रेजेंस में क्लोरिन और रेड फॉसफोर्स और प्लस वाटर मॉलिक्यूल तो इसको हम क्या बोलेंगे हेल्वोलाड जेलेंस की रिएक्शन नेक्स्ट हमारे पास है डी रिएक्शन क्या होती है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली कि वेन ए सोडियम साल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड ई आर हीटेड विद ए सोडियम लाइम सोडा लाइम का मतलब क्या होता है हमारे पास जिसके अंदर एन और जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड होता है किस रेशो के अंदर थ्री रेशो वन के अंदर कि दे लूज ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड किसको लूज़ करेंगे बेसिकली बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड टू इज ए हाइड्रोकार्बन दे देंगे अब दिस इज ए डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अब देखिए डी कार्बोक्सिलेशन में आप क्या लेके चलोगे यहाँ पर सोडियम साल्ट ऑफ एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया आपने सोडियम साल्ट ऑफ एक कार्बोक्सिलिक एसिड आर सी ओ ओ एन एन एच डाल दिए या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास ये, ये अलकली है ये हमारे पास क्या बनेगा लाइम मीन्स लाइक इज ए इसको हम सोडा लाइम कहते हैं दोनों को मिलाकर किस रेशियो में होते हैं थ्री रेशो वन के अंदर इसको फर्दर हीट कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकलेगा इस केस के अंदर हाइड्रोकार्बन आर एच प्लस एन ए टू सी ओ थ्री बाहर निकल जाएगा अब इसकी जो मेन रिएक्शन है वो मेन रिएक्शन देखिए हम क्या लेके चले सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए प्लस एन एच सोडियम एसीटेट उसमें क्या डाल दिया आपने एन एच और कैल्शियम ऑक्साइड को फर्दर हीट कर दिया तो हमारे पास सी एच फोर तो अलग निकल जाएगा मिथेन प्लस क्या निकलेगा एन ए टू सी ओ थ्री एन ए टू तो यहाँ से और सी हमारे पास क्या है सी ओ थ्री और ये हाइड्रोजन किसके साथ चला गया इसके साथ तो ये क्या बन गया हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जिसको हम मिथेन की फॉर्मेशन कहते हैं नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली रिएक्शन विद टू डी एन पी अब डी एन पी टेस्ट है ये बेसिकली किसके लिए कार्बोनाइल के लिए अब टू डी एन पी मीन्स देखिए सबसे पहले क्या होता है टू फोर डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन इसकी ये फुल फॉर्म है अब इस केस में आपने बेंजिलडी हाइड लिया बच्चों सी सिक्स एच फाइव सी एच ओ अभी हमारे पास क्या है टू फोर डी एन पी मतलब दो और चार पी पोजिशन पर क्या है हमारे पास बेसिकली डाई नाइट्रो है और उसके बाद क्या है हमारे पास ये फिनाइल ग्रुप है और ये कौन सा ग्रुप है हमारे पास हाइड्रोजीन ठीक है ना अब इस केस में आपने क्या करना है इसके अंदर एच पॉजिटिव आयंस के साथ रिएक्शन कर दोगे तो हमारे पास सीधा ही क्या बनेगा सी सिक्स एच फाइव सी के साथ क्या था हमारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था तो यहाँ से सिर्फ हाइड्रोजन रह जाएगा और ये डबल बॉन्ड हट के जो था ऑक्सीजन के साथ वो किसके साथ चला जाएगा इस एन एच टू के साथ यहाँ से एच टू निकाल दो और यहाँ से ऑक्सीजन निकाल दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले गए तो ये डबल बॉन्ड एन एच और ये एन और डब सिंगल बॉन्ड ऑफ एन एच और उसके साथ ये सेव रह जाएगा हमारे पास तो ये बनेगा हमारे पास पेंजेलडी हाइड टू फोर डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन जो कि को हम क्या कहते हैं येल्लो रेड ऑरेंज पी पी टी कहेंगे तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कन्वर्जन रिएक्शन के लिए नेक्स्ट हमारे पास टोलन टेस्ट क्या होता है कि व्हाट डू मीन बाय टोलन टेस्ट तो एल्डिहाइड आर हीटेड विद ए टोलन रेजेंट अब टोलन रेजेंट बेसिकली एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है कि दे फॉर्म ए सिल्वर मिरर किसकी फॉर्मेशन देगा ये सिल्वर मिरर ऑन इनर साइड ऑफ ए टेस्ट ट्यूब अब कीटोन डू नॉट रिस्पोंड दिस टेस्ट याद रखना कीटोन इस ग्रुप को बिल्कुल भी नहीं करेगा सिर्फ ऑनली कौन करेगा एल्डिहाइड करेगा एल्डिहाइड का फार्मूला आर सी एच ओ तो उसमें क्या डाल दिया आपने टोलिन रेजेंट डाल दिया जिसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली दिस इज ए अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ठीक है nitrate, ना अब इस केस में ए जी एन एच थ्री का ट्वाइस और इसके बाहर टू और ये कॉम्प्लेक्स का है हमारे पास एक पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव तो हमारे पास क्या निकलेगा बच्चों यहाँ से आर सी ओ ओ नेगेटिव प्लस टू ए जी बाहर निकल जाएगा ये हमारे पास सिल्वर मिरर जिसे कहेंगे हम और उसके बाद टू मोलिकुलर वाटर प्लस अमोनिया सो दिस इज़ ए टोलेंट टेस्ट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए नेक्स्ट है हमारे पास फेलिंग टेस्ट क्या होता है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड व्हेन ट्रीटेड विद ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ए फेलिंग सॉल्यूशन गिव्स ए रेडिस ब्राउन पीपीटी तो किसकी फॉर्मेशन देगा ये रेडिस ब्राउन प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन देगा ऑफ ए क्यूपरस ऑक्साइड आप ऑक्साइड मीन्स लाइक से हमारे पास बच्चों क्या लेके चलोगे क्यूप्रस ऑक्साइड कौन सा होता है सी के साथ ऑक्सीजन लगा दो अब कीटोन डू नॉट रिस्पोंड दिस टेस्ट कीटोन इस टेस्ट को फिर नहीं देगा तो आपने एल ग्रुप लिया उसके अंदर फैलिंग सोल्यूशन डाल दिया फैलिंग सोल्यूशन हमारे पास क्या है टू मोलिकूलो पे कॉपर टू पॉजिटिव आइंस फाइव मोलिकूलो पे ओ एच नेगेटिव आइंस तो इसको हम फैलिंग सोल्यूशन कहते हैं तो हमारे पास क्या निकलेगा आर सी ओ ओ नेगेटिव प्लस सी यू टू ओ दिस इज ए क्यूप्रस ऑक्साइड रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेंगे इसके प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा सो दिस इज ए फेलिंग टेस्ट नेक्स्ट है हमारे पास आइडोफोम टेस्ट क्या होता है तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि एस्टेलडीहाइड कीटोन एंड एनी कीटोन्स हैविंग एट लीस्ट वन सी एस थ्री ग्रुप उसमें क्या होना चाहिए एक सी एस थ्री ग्रुप होना जरूरी है कि वैन हीटेड विद एल्केलाइन जब किसके साथ हीट करोगे इसको आप एल्केलाइन सोल्यूशन ऑफ ए आयोडीन के साथ कि फॉर्म ओ पे येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट क्या बनेंगे येलो कलर्ड ओपे प्रेसिपिटेट बनेंगे किसके आइडो फॉर्म के तो हमारे पास टू एन ओ एच प्लस आई टू ले लिया तो हमारे पास क्या निकला बच्चों सोडियम ये हमारे पास ऑक्सीजन और आइयिन तो ये एन ए आई निकल गया प्लस एन ए आई प्लस वाटर मॉलिक्यूल अब इस केस में आप क्या लेके चले किटोन ग्रुप लेके चले आर सी ओ सी एस थ्री तो किसके साथ रिएक्शन कर दोगे या तो डायरेक्ट ये लिख दो या फिर ये लिख दो हमारे पास तो एन ए ओ आई और यहाँ से एन यू एच बाहर निकल जाएगा तो क्या निकलेगा आर सी ओ ओ और उसके साथ क्या ग्रुप जुड़ जाएगा सी एल थ्री ग्रुप जुड़ जाएगा सी एल थ्री तो एन यू एच के साथ करोगे तो सीधा ही आइडो फॉर्म बन जाएगा हमारे पास येलो प्रेसिपिटेट और प्लस क्या निकलेगा आर सी ओ नेगेटिव और एन ए पॉजिटिव क्लियर है दिस इज़ ए आइडो फॉर्म टेस्ट ये भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है हेलो फॉम रिएक्शन एलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर आपने कौन सा ग्रुप लेके चलना है बेसिकली बच्चों सिंपल है कीटोन ग्रुप लेके चलोगे अब इसके अंदर जो रिएक्शन करोगे एन एक्स के साथ एन एक्स ले लो यहाँ पर आयोडाइड ग्रुप ले लो सी एल ग्रुप ले लो मर्जी है आपकी तो इस केस में हमारे पास क्या होगा यहाँ से आर सी डबल बोर्ड एज एट इज़ और जो सी एस थ्री है वो रिप्लेस हो जाएगा और उसके साथ क्या आ जाएगा हमारे पास एन ए आ जाएगा ठीक है ना और प्लस सी एस थ्री एक्स बाहर निकल जाएगा सो दिस इज़ एलोफॉर्म रिएक्शन इसको आप क्या बोलोगे हेलो फॉर्म रिएक्शन क्लियर होगी ये भी नेक्स्ट हमारे पास है एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन क्या होती है कि कार्बोक्सलिक एसिड रिएक्ट विद एल्कोहल और ए फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंसनट्रेटेड एस टू एसओ फोर और एच सी एल टू फॉर्म इज ए एस्टर क्या फॉर्मेशन देगा बच्चों वो एस्टर की इथेनोइक एसिड लेके चले इथेनॉल लेके चले एच पॉजिटिव आयन्स के साथ तो यहाँ से डायरेक्ट ही हमारे पास क्या बनेगा एस्टर ग्रुप बनेगा जिसको हम इथाइल इथेनोइड कहते हैं प्लस वाटर मोलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएंगे मीन्स ओ एच इधर से ले लो और एच इधर से ले लो तो हमारे पास डायरेक्ट ही क्या बन गया एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन बन गई तो क्लियर होगी रिएक्शन बच्चों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जाम्स के लिए नेक्स्ट नेम रिएक्शन है बच्चों हमारे पास चैप्टर एमाइंस की जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके एग्जाम्स के अंदर तो इसके अंदर जो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गैब्रियल पैथलेमाइड सेंथिसाइज रिएक्शन क्या होती है और ये कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुकी है उसके बाद होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होगी सेंडमी रिएक्शन क्या होगी तो वो भी डिस्कस करेंगे तो देखिए सबसे पहले हमारे पास गैब्रियल पैथलेमाइड सेंथिसाइज़ कि वेन ए पैथलेमाइड इज़ ट्रीटेड विद इथेनोलिक क्यूएच इट फॉर्म्स इज़ ए पोटासियम साल्ट ऑफ ए पैथलेमाइड विच ऑन हीटिंग विद ए अल्काइल हेलाइड फॉलोड बाय द एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस फॉर्म ए कोरस्पॉन्डिंग प्राइमरी एमाइन अब देखो ये तो है इसकी डेफिनेशन अब मैं आपको बता देता हूँ पैथलेमाइड होता क्या है बेसिकली अब ये हमारे पास पेंचीन के साथ सी ओ और सी ओ टू टाइम्स और एन एच सो दिस इज ए पेथले एमाइड इसको हम क्या बोलते हैं पैथले एमाइड अब हमने क्या पढ़ा डेफिनेशन के अंदर कि ए इज ट्रीटेड एल्कोहलिक क्यू एच तो किसकी फॉर्म के साथ रिएक्शन कर रहे हैं एल्कोहलिक क्यू एच के साथ और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे और उसके साथ क्या बनेगा हमारे पास बच्चों पोटासियम सॉल्ट ऑपे पैथलेमाइड मतलब एच रिप्लेस हो जाएगा ओ एच OH इधर से तो इसके साथ क्या जुड़ेगा एन के साथ के जुड़ जाएगा पोटासियम पैथलेमाइड इसकी फर्दर रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ विद एल्क हेलाइड के साथ आरएक्स के, के साथ तो हमारे पास यहाँ से क्या निकलेगा आप देखो ध्यान से कि जो x है x किसके साथ चला जाएगा यहाँ से पोटासियम के साथ और R अटैच हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे एन एल्काइल पिथलेमाइड मतलब यहाँ से K निकला और यहाँ से x और R किसके साथ जुड़ गया जाके N के साथ तो ये बन गया हमारे पास एन एलकाइल पैथले इसकी फर्दर रिएक्शन करनी है किसके साथ एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस करनी है ठीक है ना तो हमारे पास क्या निकलेगा प्राइमरी एमाइन निकलेगा एन के साथ करोगे एक्वस फॉर्म के अंदर तो एक तो निकल जाएगा आर एन एच टू प्राइमरी एमाइन और एक क्या निकलेगा बेंजीन के साथ सी ओ ओ नेगेटिव और एन ए पॉजिटिव सी ओ नेगेटिव और एन ए पॉजिटिव तो ये थी हमारे पास जो रिएक्शन है गैब्रियल पैथले इमाइड सेंथिसाइज रिएक्शन सेकेंड हमारे पास है होकमेन ब्रोमाइड रिएक्शन कौन सी होती है कि वेन ए प्राइमरी एसिड अमाइड इज हीटेड विद एन एक्वास और इथेनोलिक सोल्यूशन ऑफ ए एन एच और के एच एंड ए ब्रोमिन अब ब्रोमिन का मतलब क्या है बेसिकली बच्चे एन ए बी आर के साथ कर दो या फिर के ओ बी आर के साथ इट गिव ए प्राइमरी अमाइन विद वन कार्बन एटम लेस तो इस केस में क्या होगा हमेशा याद रखना एक कार्बन एटम लेस होगा अब हमने क्या लिया यहाँ पर एसिड अमाइड लिया एसिड अमाइड का मतलब है आर सी ओ एन एच टू ठीक है ना दिस इज एसिड अमाइड प्लस ब्रोमिन डाल दिया प्लस इसमें क्या डाल दिया हमने यहाँ पर एल्कोहलिक फॉर्म के अंदर यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे एन या फिर क्यू तो यहाँ से डायरेक्ट ही क्या निकलेगा एक लेस कार्बन तो हमारे पास प्राइमरी अमाइन बनेगा प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम ब्रोमाइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे इस केस में तो देखो आर के साथ एन एच टू सी ओ यहाँ पर बचा है तो सी ओ के साथ क्या आ जाएगा बेसिकली ऑक्सीजन यहाँ से ले लेगा ये तो कार्बोनेट प्लस एन ए टू तो एन ए टू सी ओ थ्री प्लस टू एन ए बी आर बाहर निकलेगा प्लस टू मोलिकुलो पे वाटर सो दिस इज ए होपमैन ब्रोमाइड रिएक्शन नेक्स्ट हमारे पास सेंडमीयर रिएक्शन अब सेंडमेर रिएक्शन आप बेसिकली पीछे कर चुके हैं तो यहाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी कि द सी एल नेगेटिव बी आर नेगेटिव सी एन नेगेटिव न्यूक्लियो फाइल कैन ईजली बी इंट्रोड्यूस इन देंजिन इन द प्रेजेंस ऑफ अब किसकी बेसिकली प्रेजेंस में करोगे आप प्रेजेंस ऑफ ए क्यूप्रस आयोडाइड ले लीजिए बेसिकली बच्चों इस केस के अंदर देखो हमने पीछे भी की थी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चले क्यूप्रस क्लोराइड के साथ कर दिया एच सी एल क्यूप्रस ब्रोमाइड एच बी आर के साथ या फिर क्यूप्रस साइनाइड और के सी एन के साथ अब इस केस में जब हम क्लोराइड के साथ करते हैं तो क्लोरो बेंजिन बी आर के साथ करते हैं तो ब्रोमोबेंजिन और जब सी एन के साथ करेंगे तो क्या बनेगा बेंजो नाइट्राइल बन जाएगा तो ये तीनों रिएक्शन हमारे पास कौन सी हैं सैंडमेयर रिएक्शन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके एग्जाम्स के अंदर नेक्स्ट है हमारे पास गैटरमैन रिएक्शन क्या होती है गैटरमैन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बेसिकली कि क्लोरीन और ब्रोमीन कैन बी इंट्रोड्यूस इन द बेंजिन रिंग क्लोरीन और ब्रोमीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बेंजिन रिंग के अंदर बाय ट्रीटिंग द डाइजोनियम साल्ट सोल्यूशन विद ए कोरस्पोंडिंग अब देखो बेंसिन डाइजोनियम क्लोराइड दिया आपने बच्चों क्या डाल दिया कॉपर पाउडर एच सी एल डाल दिया कॉपर पाउडर एच बी आर डाल दिया तो यहाँ पर एन टू बाहर निकलेगा सी एल क्लोरोवेंचिन बनेगा प्लस एन टू प्लस हमारे पास क्यू प्लस क्लोराइड बाहर निकल गया सेम एज इट इज़ हमारे पास ब्रोमोवेंजिन प्लस एन टू प्लस क्यूपर क्लोराइड बाहर निकल गया इसमें भी एक में ब्रोमाइड निकाल दो एक में क्लोराइड निकाल दो तो ये हमारे पास है गैटराइन रिएक्शन नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों कार्बलेमाइन रिएक्शन जिसको हम बेसिकली आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके एग्जाम्स के अंदर कि एलिफैटिक एंड एरोमैटिक प्राइमरी एमाइंस वैन हीटेड विद ए क्लोरोफॉम एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन हीट कर रहे हैं किसके साथ क्लोरोफॉम के साथ क्लोरोफार्म क्लोरो का मतलब क्या होता है सी एच सी एल थ्री एंड एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑपे के ले लिया कि वे आइसोसाइनाइड तो वो क्या देगा आइसोसाइनाइड मीस इसे कार्बलेमाइन टेस्ट देगा अब जिसकी स्मेल क्या होती है अनप्लेजेंट स्मेल होगी प्राइमरी अमाइन का फॉर्मूला आर एन एच टू क्लोरोफॉम डाल दिया सी एच सी एल थ्री प्लस थ्री एन एच डालो या क्यू एच अब यहाँ पर एल्कोहलिक क्या लेके चल रहे हैं क्यू एच अब इस केस में हमारे पास डायरेक्ट ही क्या बनेगा आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड ग्रुप कौन सा होता है आर के साथ एंड ट्रिपल बॉन्ड सी दिस इज एलकाइल आइसोसाइनाइड प्लस थ्री के सी एल बाहर निकलेगा थ्री मोलिक्यूलोफे वाटर अब इस केस में एनलिन लेके चल रहे हैं बच्चों नेक्स्ट केस में क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक के एच हीट कर दिया तो डायरेक्ट ही हमारे पास एन ट्रिपल बॉन्ड सी इसको हम क्या बोलेंगे फिनाइल आइसोसाइनाइड प्लस थ्री के सी एल प्लस थ्री मोलिक्यूल ऑफ ए वाटर सो so दिस रिएक्शन इज ए कार्बलेमाइन रिएक्शन जिसका हम बेसिकली क्या कहते हैं आइसोसाइनाइड नेक्स्ट हमारे पास कप्लिंग रिएक्शन और कप्लिंग रिएक्शन बेसिकली विद फिनोल के साथ भी है और विद एनोलिन के साथ तो दोनों रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे कि द रिएक्शन इन विच द डाइजोनियम आइंस रिएक्ट विद फिनॉल और एनोलीन टू फॉर्म इज ए एजोडाई तो क्या बनाएगा ये बेसिकली एजोडाई की फॉर्मेशन देगा तो सबसे पहले कपलिंग विद फिनोल की बात कर रहे हैं बेंजीन डाइजोनियम को राइड लेके चले सचो बच्चों आप बेंजीन के ऊपर एंड पॉजिटिव ट्रिपल बोंड एन सी नेगेटिव फिनोल क्या डाला आपने ओ एच ओ एच नेगेटिव आंस के साथ करते हैं जब फिनोल की बात करते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट ही बेंजीन एन डबल बोंड एन और बेंजीन के साथ ओ एच ग्रुप अब जब ये डबल बॉन्ड होता है तो उसको एजो ग्रुप कहते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा ये पैरा पोजिशन पे हाइड्रोक्सी पड़ा है तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजिन प्लस सी एल नेगेटिव प्लस वाटर तो ये जो बेसिकली पैरा हाइड्रोक्सी जो हमारे पास एजोबेंजिन बन, बन के आया ये ऑरेंज डाई बन के आया नेक्स्ट वाली केस में जब आप करोगे इसके अंदर तो वहाँ पर क्या बनेगी येलो डाई बनेगी एनोलिन के साथ तो बेंजिन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चले एनोलिन के साथ मतलब बेंजिन के ऊपर एनएच टू ग्रुप एच पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्शन करोगे तो बेंजिन एन डबल बॉन्ड एन और उसके साथ एनएसटू ग्रुप लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा पैरा अमीनो एजो एजोबेंजिन दिस इज द कलर ऑफ ए येलो डाई और प्लस सी एल नेगेटिव निकलेगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे सो दिस रिएक्शन इज नोन एज ए कपलिंग रिएक्शन फॉर फिनोल एंड एनोलिन नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है स्कोट बोमन रिएक्शन तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी कि बेंज इसके अंदर बेसिकली किसकी बात करनी है आपने बेंजोलाइजेशन ऑफ ए एनोलिन इन द प्रेजेंस ऑफ ए एन्यूएच तो बेंजेन अमाइन लेके चले बच्चों बेंजिन के ऊपर आपने एनएच टू ग्रुप डाल दिया ठीक है ना इसको हम बेंजेन अमाइन बोलते हैं या फिर हम इसको डायरेक्ट ही क्या बोलेंगे एनोलिन अब इसमें बेंजोइल क्लोराइड डाल दिया आपने सी सिक्स एच फाइव सी ओ सी एल एन यू एच के साथ करते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उसके साथ क्या जुड़ेगा सी डबल बॉन्ड ओ और सी सिक्स एच फाइव और एच सी एल बाहर निकल जाएगा तो ये हमारे पास क्या बन गया एन फिनाइल बेंजेन एमाइड एमाइड ग्रुप बन गया एन एच ग्रुप कौन सा होता है हमारे पास एमाइड वाला सो दिस रिएक्शन इज एस कोट बोमन रिएक्शन नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है सीचमिट रिएक्शन तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सीचमिट रिएक्शन भी कि कार्बोक्सलिक एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोजोइक एसिड हाइड्रोजोइक एसिड हमारे पास कौन सा होता है एन थ्री एच अब इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंसनट्रेटेड एस टू एस ओ फोर टू फॉर्म इज ए प्राइमरी एमाइन किसकी फॉर्मेशन देगा प्राइमरी एमाइन की तो इथेनोइक एसिड आपने लिया हाइड्रोजोइक एसिड डाल दिया इसके अंदर आपने एन थ्री एच कंसनट्रेटेड एस टू एसओ फोर के साथ तो डायरेक्ट ही हमारे पास क्या बनाएगा सी एस थ्री एन एच टू और प्लस सी ओ टू और प्लस एन टू बाहर निकल जाएगा सो दिस इज ए मिथेन एमाइन तो ये थी हमारे पास टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो नेम रिएक्शन मैंने आज आपको कराई आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी थैंक्स फॉर वॉचिंग तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बाय मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक जय हिंद जय भारत